डि है ओपिनियन तो वो, वो, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस, डिस्कस डिटेल में कर लिया है आगे बढ़े इसके बाद मैंने आपको कहा था आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे फीचर्स ऑलरेडी ऊपर वाली हमने रीड किया था फीचर्स एक बार देख लो और कट कर लो जस्ट रीड इट एंड रिमूव इट सबसे पहले क्या कहता है यार आई थिंक रीड किया होगा पुरानी वाली बुक से मेरे भाई नहीं किया मैंने डिलीट कर दी शायद पुरानी बुक नहीं किया शायद नहीं किया यू आर राइट लो जी देख लो एक बार वही डेफिनेशन में जो हमने चीजें सिखाई है वही वापस से यहां पे लिखी हुई है तो क्या कहता है

ऑडिट करवाना जरूरी है नो इट इज नॉट मैंडेटरी लेकिन आप ध्यान रखिएगा उनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है एक दूसरा ऑडिट भी होता है कौन सा टैक्स ऑडिट वो डिपेंड करता है टर्न के ऊपर कि भैया अगर आपका एक करोड़ से ऊपर का टर्न है मान लीजिए तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना तो एक तरह से कहीं ना कहीं सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप को भी किसी ना किसी तरह का ऑडिट करवाना तो क्या हो गया बेटा हाँ लेकिन कोई छोटा दुकानदार है कोई छोटी पार्टनरशिप है जिनका टर्नओवर उस लिमिट में नहीं आ रहा उन्हें अपना ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट टैक्स ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है तो आप निश्चिंत रहे ठीक है <coughs> उसके बाद हम देते हैं एक ओपिनियन जिसमें हम क्या देते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सभी पॉलिसीज को फ्रेम फॉलो करते हुए बने हैं सभी रेगुलेशन और सभी डिस्क्लोजर्स ठीक है फिर मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन करवाया था क्या द ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनी जिसके अंदर आपने पॉइंट देखे थे क्या क्या जो अकाउंट एंट्रीज को फॉलो करते हुए हुए हैं बेटा बातें नहीं करेंगे प्लीज कोई भी और जो बुक्स में एंट्रीज है वो सपोर्टेड है बाय बाई सोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कोई भी एंट्री आपकी ओमिटेड नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट सारे क्लियर होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोपरली क्लासिफाई होने चाहिए और ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर देनी है फिर मैंने आपको बताया था कि अकाउंट आपका जो ऑडिट है ये बेटा यूजर्स को क्या प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंस देता है ठीक है आया ना क्योंकि आप एश्योरेंस दे रहे हो बेसिक बात थी ओनली रीड कर, इसे। यहां तक किसी को कोई कर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होती है इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर किया जाता है सब हमने डिस्कस किया था yes no? then, आज एक अब ये कुछ कंसेप्ट जिनको मैं सेल्फ भी बोल सकता हूँ जैसे कि क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर हम एक बार रीड कर लेंगे आखिरी में बट ये सेल्फ है एक एक इंसान को कैसा होना चाहिए तो जो एक पर्सन को जिस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए ऑडिटर में कुछ और क्वालिटीज को ऐड कर दो भाई टेक्निकल नॉलेज वगैरह तो ये बड़ा प्लेन है हम बाद में देखेंगे बिल्कुल आखिरी में देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दी ऑडिटर याद है बेटा एस ए टू हंड्रेड जिसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट आते पहला कंसेप्ट किया था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दी ऑडिटर क्या कहता है ऐसे टू तो हंड्रेड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में कहता है हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना है नहीं क्या है रीजनेबल तो ऑब्जेक्टिव क्या है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड in all material respect in accordance with applicable frf and to report on the financial statement and communicate as required by the ss in accordance with the auditor findings yahan tak kisi ko koi dikkat main ek tarah se puri class ka revision hi karwa raha hu aapko फिर कल हमने ये दो लाइन रीड करने के लिए डेढ़ घंटे का डिस्कशन किया था और वो दो लाइनें कौन सी थी In all the cases When reasonable assurance cannot be, and a qualified opinion in the audit report is insufficient. Qualified opinion में मतलब तो second best opinion वो क्या है insufficient है तो SA, which SA? 705 O five require that auditor should disclaim or withdraw from the engagement. ठीक है जी? फिर आपने देखा था इसकी समरी चारों पॉइंट की जो कि मैंने आपका आपको कहा था आप रीड कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं इट्स all योर चॉइस चार मेन पॉइंट थे वो मैंने ऊपर आपके लिए डाल दिए ठीक है अब आग आप चलते हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट और हमने कवर किया था इनहेरेंट लिमिटेशन फिर आपने डिस्कस किया था कि सर ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता है उसके कुछ रीजंस हैं और उन रीजंस को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा जी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट आठ से नौ no एग्जांपल आपने दिए थे ईसीआई ने सिर्फ तीन आपको मेन कैटेगरी में डिवाइड करके दिए क्या जो आईसीआई ने अपनी किताब में लिखा है क्या यही लिमिटेशन है दीज दीज आर आर ओनली ओनली बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या था आपका कहता है कि देर आर समिटेशन इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कि किसके प्रोस्पेक्टिव से लिखे गए हैं मैनेजमेंट आप अपने रेफरेंस के लिए लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि भैया ये जो रीजन हैं ये किसके हिसाब से दिए पे मैनेजमेंट के हिसाब से दिए हा या ना तो आप ऐसा बना सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको लगे कि भाई मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए कि ये मैनेजमेंट वाले पॉइंट है तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट दिए थे क्या क्या बोला था कि फाइनेंशियल बनने में क्या यूज किया जाता है बेटा जजमेंट और सेकेंड एग्जाम्पल इसमें किस चीज के लिए दिया गया था इंटरनल कंट्रोल दूसरा उसने लिमिटेशन बताया था किससे रिगार्डिंग नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर तो वहां पे उसने दो तरह की लिमिटेशन की बात की थी कौन कौन सी एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन 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 और दूसरा लीगल लीगल क्या थी क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं ऑडिट कर रहे हैं तो जोर जो जबरदस्ती करके हम डेटा नहीं ले सकते अगर मैनेजमेंट नहीं दे रही तो नहीं दे रही तो दिस इज अगेन ए लिमिटेशन फिर उसके बाद ऐसा था कि मैनेजमेंट भैया डिसऑनेस्ट हो सकती है फ्रॉड कर सकती है और ऐसा भी हो सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की गई हो तो जो सेकेंड पॉइंट था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर उसमें कितने सब पॉइंट थे चार कितने थे बेटा फोर उसके बाद बड़े सिंपल सी बात थी कि ऑडिट भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं है हमें ऑडिट जो कंप्लीट करना है वो प्रॉपर टाइम पे करना है और एक फ्यूचर इवेंट जो कि मैंने कहा था अभी शायद आपको उतना डिटेल में समझ नहीं आएगा ये कहां पर समझ आएगा 560 570. ये था हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट इंडिपेंडेंस हम काफी आगे करके आए थे ऑल सॉर्टेड अब मैं आपको दो लाइनें हैं ये देख रहे हो आप दीज टू लाइन्स एक बार इनको मेरे साथ रीड कीजिएगा द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूज ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयर फोर ओबेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल में स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर आराम से पढ़ना दोबारा पढ़ते हैं एक बार और ये इन दो लाइनों के साथ लिख लो एज इट इज याद करना है मैंने कहा ना मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको क्या एज इट इज याद करना है क्या लर्न करना है लर्न करना है मतलब की वर्ड लर्न करना है बाकी सब आपको रीड करना है तो इसको आप एल तो लिखेंगे ही लिखेंगे कि भाई याद करना है साथ ही साथ आपने क्या लिखना है एज इट इज याद करना है ठीक है एक बार दोबारा एडिट कीजिएगा क्या कहता है द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट रिड्यूज ऑडिट रिस्क टू जीरो ठीक है जी एंड कैन नॉट देयर फॉर ऑबटेन एप्सोल्यूट एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम ड्यू टू फ्रॉड और एरर। देखो आपको ना आधी लाइन समझ, समझ आ गई होगी पूरी आ गई आपको नहीं समझ पाएंगे दोबारा एक बार रीड करूंगा क्या कहते हैं दॉट एक्सपेक्टेड भाई या नहीं तो हमसे ऐसा एक्सपेक्ट करे नहीं हम ऐसा कर सकते हैं एंड कैन नोट रिड्यूज ऑडिट रिस्क टू जीरो हम ऑडिट रिस्क रिस्क को जीरो नहीं कर सकते एंड कैन नॉट देर फोर अब आपको ना बस ये लाइन नहीं समझ आई होगी मेरे हिसाब से आपको इतना तो पता है ऑडिट रिस्क जीरो नहीं कर सकते बट क्या आपको पता है ऑडिट रिस्क क्या होता है रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो जो है इसका मतलब आपको नहीं पता बस बाकी शब्द शायद आपको समझ आ गया कि भैया हम एप्सोल्यूट एश्योरेंस तो कभी भी नहीं ले पाएंगे मानते ये बात अब आप मुझे गेस कर कर बताइए ऑडिट रिस्क क्या है ऑडिट रिस्क बताइए क्या है मेरे को बेटा ये मत बताओ कंट्रोल रिस्क, रिस्क? सिंगल लाइन में आप देसी भाषा में क्या समझ रहे हो इससे कि क्या हो सकता है ये ऑडिट रिस्क का जिस जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव तो करके हो जाएंगे. अब आप का कर मेरे साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है सोचकर बताइएगा प्लीज ट्रू एंड फेयर व्यू ना दे पाए ये क्या हो सकता है ऑडिट रिस्क ट्रू एंड फेयर व्यू ना दे पाए इसको क्या ये बोल सकते हैं सही ओपिनियन ना दे पाए एक अप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे ऑडिट रिस्क कि मैं एक सही ओपिनियन इवन आफ्टर डूइंग ऑडिट मतलब ऑडिट करने के बाद मैं एक सही ओपिनियन ना दे पाऊं दिस इज माई दिस इज माई ऑडिट रिस्क ऐसा क्यों होगा हाँ, एक, एक हैंड रेस करके बोलना है नहीं तो फिर क्या ना समझ नहीं आएगा लोगों सर एक तो जजमेंट होता है सर फाइनेंशियल बनाने में भी जजमेंट होता है ऑडिट करने में भी जजमेंट होता है बताओ यस yes, डेफिनेटली मुझे कितना काम चेक करना है कैसे करना है क्या जजमेंट है क्या तो आपने बिल्कुल सही बोला सर ऑडिट करने में भी जजमेंट होता है हो सकता है मैं गलत ऑडिट कर दू हो सकता है मैं ऐसा बोल दू कि क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल क्या है सही है बट इट एक्चुअल में सही ऐसा हो सकता है क्या बेटा तो अगर मैंने क्लाइंट के कंट्रोल्स को ठीक बोल दिया तो मैंने रिस्क को कम रखा होगा ज्यादा रखा होगा कम, कम ज्यादा तो नहीं तो क्या अल्टीमेटली मेरा ओपिनियन गलत हो गया तो क्या ये ऑडिट रिस्क है कि मैं एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दू यस और नो सर देर इज ए रिस्क क्या ऑडिटर कैन गिव एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन मानते हो ये बात मानते हो मेरे साथ ये बात अच्छा क्या ये रिस्क हो सकता है कि क्लाइंट के फाइनेंशियल सही है इंटरनल कंट्रोल भी ठीक है बट जो सैंपल मैंने निकाले उसमें कुछ कंट्रोल फेल हो गए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपके कंट्रोल सही नहीं है क्यों क्योंकि क्योंकि मैंने जो चेक किया उसमें गलती आ रही है बट क्लाइंट के कंट्रोल एक्चुअली में सही है क्लाइंट ने अपने हिसाब से सब सही कर रखा है या इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं मैंने परचेज के सैंपल चेक किए परचेज में मिसस्टेटमेंट मिल, मिल मिली एंड दैट मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं आपको क्वालिफाई ओपिनियन दूंगा क्योंकि आपके यहां पे गलती है नो no वाले हाथ उठाओ क्यों नहीं बोल पाएंगे वो रीचेकिंग करवा लेगा आप हाँ 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 उसमें भी स्टेटमेंट मिला मुझे तो फिर मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं आपकी आपको क्वालिफाई रिपोर्ट दूंगा हाँ मैं यस, बिंगो ताली दो बिल्कुल सही जा रहे हो तुम शी इज राइट ऐ नेम सोनिका कहाँ है आपका पेपर सोनिका ने बोला सर आपने सैंपल के हिसाब से चेकिंग की ध्यान से सुनना आपको गलती मिली अब वो गलती तब तक गलती नहीं है जब तक आप मैनेजमेंट से डिस्कस ना करो मैं मैनेजमेंट के पास गया कि भाई साहब मैं ना इस बार आपको क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा सुन रहे हो साक्षी मैं इस बार आपको कौन सी ओपिनियन दूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा साक्षी कहेगी भाई साहब क्या हुआ ये तो बताओ मैं कहूंगा देखो इस वाउचर में गलती है ये पांच लाख की परचेज थी तुमने पचास हजार से चढ़ा रखी है ये पचास हजार की थी तुमने पांच करोड़ चढ़ा रखी है हो सकता है

ऑडिट में ऐसा नहीं है ऑडिट की तो पहली लाइन ये कहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय बाय द द मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल सारा काम आपने किया है मैं तो बस रिवेरीफाई करने आया हूं कि सब सही किया है क्या अगर कुछ ऊपर नीचे तो मैं आपसे क्या करवा दूंगा सही, और अल्टीमेटली साइन करके आपको दे दूंगा तो क्या जब क्लाइंट का यहाँ पे सब कुछ सही है कि आपको लगता है मैं उसको एक गलत ओपिनियन दे पाऊंगा कि नहीं मैं आपको एडवर्स दूंगा क्लाइंट लेगा क्या क्लाइंट कहेगा साले जूते पड़ेंगे तूने 25 सैंपल चेक किया हमने बोला पचास चेक कर सो कर हजार कर उसमें ठीक है गलती थी हमारी हमने मान ली तो अल्टीमेटली मेरा सैंपल बढ़ेगा मेरा टाइम ज्यादा लगेगा उससे हो सकता है मैं उससे फीस ज्यादा लू क्या तुम्हारे दो के चक्कर में मेरा तो टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन अल्टीमेटली मैं क्या कंक्लूजन फ्रेम करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग एट्रू एन तो इसका मतलब इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देने वाला रिस्क ध्यान से समझना बारीकी से इनअप्रोप्रियट ऑडिट ओपिनियन देने वाला रिस्क वो तब है जब आप गलत चीज को क्या बोल रहे हो सही वो तब नहीं है जब आप सही चीज को क्या बोल रहे हो मानते हो क्लाइंट के फाइनेंशियल ठीक है मैं बोलू नहीं नहीं गलत है मानेगा क्या अगर उसके फाइनेंशियल गलत है साले ने फ्रॉड कर रखे हैं मैं बोलू यार आपके फाइनेंशियल तो बिल्कुल ठीक है वो कहेगा आज ही रात को अपन चल रहे हैं बुकारा गए हो कभी अच्छा तो फिर कोई नाम बताओ आप ठीक है वो कहेगा आज ही रात को आप बताओ आपको कहां चलना है मैंने कहा ले चलो जहां पे बैली डांस होता है ठीक है

ऐसा ही ऑडिटर का भी रूप है पता है? है। जब जाते हो ना आपको बड़ी झूठी इज्जत मिलती है। अरे सर आ वो <laughs> सर सर, पीछे से इतनी गालियां दे रहे होते हैं हम लोगों को दिस इज आर जो ठीक है हम भी पक जाते हैं हम नहीं सोचते उनकी गालियों के बारे में हम उन्हें यही कह रहे होते हैं बढ़िया मेन्यू आ तू तेरा जो भी है हमारी ख्वाहिशें ही अलग होती हैं ऑडिटर की एक्चुअली में मैं भुवनेश्वर था जेएसपीएल जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड सुना है किसी ने नवीन जिंदल जी की कंपनी है हम लोग वहाँ थे मैं पुनीत भैया ठीक है मेरे सीनियर थे मैं आर्टिकल था चूजा था मैं उस टाइम पे, ठीक है और कौन था हमारे साथ एक दो नए सी रहे होंगे शायद तो जेएसपीएल वाले ना पोर्टा केबिन समझते हो आप लोग नहीं तो बेसिकली वहाँ पे एक समझो बहुत बड़ा प्लांट है ठीक है पावर प्लांट है प्लेट मिल है और भी काफ़ी प्लांट्स हैं तो हम लोग ऑडिट के लिए गए तो वो लोग अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे थे टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर था वहाँ पे तो वो दूसरी जगह जा रहे थे तो उन्होंने हमें कहा कि यार अभी ना हम आपको ऑडिट नहीं करवा पाएंगे मेरे जैसे चूजे तो खुश हो गए कि बढ़िया है दस दिन और मजे करेंगे हाँ या ना तो हमारे पुनित सर कहते हैं भाई हम दस दिन के लिए क्या करेंगे फिर तो इससे तो तुम्हारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और मेरे को पार्टनर को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा ये तो तो वहां की मैनेजमेंट कहती है अरे यार कैसी बातें करते हो पुलिस जी पीछे ना स्कोरपियो आई एक बढ़िया ड्राइवर के साथ आगे खड़ी हो गई स्कोरपियो कहते ये आपकी गाड़ी है ठीक है और उसने बढ़िया उस टाइम के जो भी हाईएस्ट नोट रहे होंगे वो नोट की गड्ढी निकाली ये कैश है आप पहली बार उड़ीसा आए हो भुवनेश्वर जाओ चिल्का लेक जाओ आप लोग हिंदू धर्म से हो तो तिरुपति बाल आ, वो कौन सा मंदिर है वहां पे जगन्नाथपुरी जाओ घूमो भाई साहब उन्होंने कहा था पांच दिन बाद आ जाना हम आपको ऑडिट करवा देंगे <laughs> कितने दिन बाद हम लौटे आ रहे तेरा दिन के बाद थर्टीन दिन थर्टीन डेज we आर आउट हमने कहा कि अब बाहर निकल ही गए हैं तो का सूर्य मंदिर क्यों छोड़ा जाए भुवनेश्वर <laughs> क्यों छोड़ा है हम भाई साहब पूरा उड़ीसा चप्पा चप्पा छान के आ गए वहां पे उड़ीसा वाला इतनी उड़िया नहीं बोल मैं बोल पा पा रहा रहा जितनी मैं हूं <laughs> तो ये क्लाइंट देखो आपको अलग अलग तरह से फैसिलिटी देता है तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया और ड्राइवर मेरे को उस टाइम ना ड्राइविंग नहीं आती थी तो वो बंदा ना जो हमारा ड्राइवर था भाई साहब वो बहुत ही ना फनी था और पीछे सरदार लोग थे हाँ हरनीत हरनीत कालरा नाम याद आ गया आज डिलोइट में पार्टनर होंगे हरनीत कालरा भी बड़ा यंग नया नया सीए पग पग लगा के बिल्कुल और सरदार लोग ना थोड़े मेरे को मतलब मेरे को ना सरदार पसंद है एक्चुअली पर्सनली ठीक है क्योंकि मेरा ना ग्रुप भी सरदारों का है मेरे साथ एक साहिब था उसकी स्टोरी बनाऊंगा तो एक क्लास ही पागल हो जाएगी वो हिज प्रभ अरोड़ा हिज ऑल्सो सरदार मतलब मेरे आर्टिकल में मेरी टीम में सारे ही सरदार थे मैं अंडा नहीं खाता था यार उन्होंने चिकन तक की ग्रेवी खिला दी मेरे को ओडिशा चलो ये टॉपिक क्लोज करते हैं तो मेरे को ड्राइविंग नहीं आती थी तो हमारा ऑफिस है ना गेस्ट हाउस तकरीबन तीस से चालीस मिनट के रास्ते पे था तो मैंने कहा ड्राइविंग तो सीख ले, मैं कब की बात बता रहा हूँ आर्टिकल फर्स्ट ईयर आर्टिकल तो मैंने उसको कहा भाई गाड़ी मैंने कहा प्रमित सर चला लूँ वो सीए थे कह रहा चला ले लेकिन तू है ना एक काम कर तू वहीं पे बैठ के सिर्फ स्टीयरिंग संभाल पहले <laughs> तो मैंने कहा तू स्टीयरिंग छोड़ दे उस किसको ड्राइवर को वो तो कह रहा सर स्टीयरिंग कैसे छोड़ू मैंने कहा स्टीयरिंग मैं संभालूंगा <laughs> कह रहा भाई साहब आप आप ऐसे नहीं चला सकते गाड़ी मैंने कहा भाई देख मैं कौन ऑडिटर तू हाथ छोड़ दे बस वो कह रहा सर मेरी नौकरी मैंने कहा हाथ छोड़ <laughs>

पहला या दूसरा क्लाइंट था देवबंद से है यहाँ से कोई यूपी से है मुजफ्फरनगर मेरठ के आसपास आगे एक जगह है देवबंद कितने लोगों ने सुनी है सुनिए आप लोगों ने देवबंद पे रेलवे स्टेशन पे एक शुगर मिल है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर आप लोगों ने देखा हो तो त्रिवेणी शुगर मिल रेलवे स्टेशन पे ही है बाहर उसको मैं लीड करता था पहले आर्टिकल था बाद में लीड करता था उसे तो हम लोग वहां गए हुए थे मैं था साहेब प्रभमित दोनों फर्स्ट ईयर आर्टिकल वही पुनित भैया जो अभी उड़ीसा वाले और एक राजीव अग्रवाल जो मैं जिनको मैं अपना पर्सनली आज भी गुरु बोलता हूँ जिनसे मैंने सीखा है गाली कैसे देते हैं क्लाइंट को बाकी को तो मैं पहले भी देता था वो यूपी से है वो यूपी से है तो उन्होंने मेरे को मतलब सिखा दिया कि बेटा देखो ऑडिट ऐसे नहीं होगा ऑडिट के लिए तेरे को जाट बनना पड़ेगा मैंने कहा ठीक है तो उन्होंने बनाया वो तो वो मेरे गुरु हैं बेसिकली है वो भी अग्रवाल तो उनको भी किसी ने सिखाया ही होगा आज वो जिंदल स्टील में पूरे हेड हैं किसी एरिया के मतलब उनने क्लाइंट ही हड़प लिया देख रहे हो तुम जिंदल हमारा क्लाइंट हुआ करता था और आज वो जेएसएल में है हम चार लोग त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे तो हम ना ऑडिटर कौन होता है जमाई। तो सैटरडे संडे आता नहीं हमारा घूमने का प्लान पहले बना हम पूरा इंडिया घूम चुके हैं बेटा ये आपके सामने जो लोंडा खड़ा है तीस साल का इसने कभी भी अपने पैसे से कहीं नहीं गया ये पूरा इंडिया कंपनी के खर्चे पे हमने घूम रखा है आप भी घूम लोगे तो हमने कहा जी चलते हैं कहा हरिद्वार चलते हैं घूमने और जुलाई का महीना रहा होगा शायद जिस टाइम पे बारिश और पानी बहुत होता है ठंडा छोड़ तू अभी रुक जा देखता हम हरिद्वार चले गए मैं बनिये का बच्चा पहली पेड़ी पे ना रहा हर हर गंगे मेरे पाप जितने धुलने थे वही धुल गए साला सरदार पागल आदमी सहारनपुर से था वो था क्या है हम इस कोने पर रहे हैं हर हर गंगे हाथ छोड़ के बह गया पानी का फ्लो समझ रहे हो बह गया और थोड़ी देर बाद ना ऐसे टेढ़ा गया और उसके हाय मैंने कहा सर मर गया ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर पीछे गया ऐसे टेढ़ा आप जा सकते हो जिनको स्विम आती है उनको पता होगा ऐसे स्ट्रेट शायद वो नहीं होगी ऐसे होगी है ना कोई है स्विमर ऐसे ही होता है तो वो फिर वापस उधर गया हमसे आगे और वहां से तैर के हमारे पास आ गया चलो भाई ठीक था तुझे स्विमिंग आते कोर्स सहारनपुर से तो गरीब परिवार से नहरों में नहाया हम क्या करें हम तो नहीं नहाए हमारी मम्मी ने बाल्टी से नलाया है। उसके बाद क्या कहता है कपिल कुछ नहीं करना सुनो यहां से असली और ये रियल स्टोरी है बिल्कुल कह रहा है कुछ नहीं करना तुझे ऐसे छोड़ देना अपने आप को ऐसे हाथ मारता रहियो और तू उस कोने पे पहुंच जाएगा टेढ़ा मैंने कहा प्रमित साहिब बोलते हैं मुझे साहिब इस बार ना, इस बार ना वीडियो तेरे को कट करके भेजूंगा साले सुन तूने क्या-क्या था मैंने कहा मैं ना अभी दूसरी सीढ़ी पे हूं तीसरी पे पांव रखते हुए ना मेरा शरीर कांप रहा है उसमें चार-पांच सीढ़ियां थी ठीक है मैंने कहा तीसरी पे जब मैं पांव रखने की सोच रहा हूं ना तो मुझे डर है कहीं मेरी रूह ना निकल जाए तू कह रहा है हाथ छोड़ दे मैंने कहा नहीं हो पाएगा भाई कह रहा है कोशिश तो कर मोटिवेट करने की कोशिश की लेकिन मैं बनिया का बच्चा बिल्कुल नहीं हुआ फिर उसने चेहरा घुमाया अपना पुनित भैया वो नया सी उसका पांच दिन पहले रिजल्ट आया था सीए बन गया था मिठाई खाए थे उनको कह है पुनीत भैया पुनीत कपूर वो पंजाबी उसको लगा मैं तो ही लूंगा ना उनको भी नहीं आता था

आप वहां पहुंच जाओगे पुनित कह रहा है पक्की बात है मैंने कहा पुनित भैया मत करना ऐसी गलती आपका बहुत बड़ा कटने वाला है में। इतने में क्या है ना एक दो लोगों ने और किया ऐसे। और वो कर गए उनको कॉन्फिडेंस आ गया भाई बोला मैं हूं ना कर कुछ हुआ तो कौन कहता है साहिब वो देख रहा होगा वीडियो मेरी अब मैं उसको कट करके भेजूंगा इस बार भाई पुनित भैया ने लगा दी और पानी का फ्लो एक्चुअली बहुत तेज था वो सम, समझना जम्प लगा के ऐसे जाना था ऐसे नहीं जाना था हालांकि जब उन्होंने जम्प लगाई तो उनको खुद को नहीं पता था कैसे जाना। उन्होंने बस जंप लगाई पानी जान ले गया मान ले गया <laughs> मेरे को बस एक चेक याद है आज तक एक, एक... इतने में तो वो नीचे और आगे एक ही बार देखा मैंने उनको मैं कूद कूद वो, बैग गये, बैग गये, कूद, भाई, कूद वो ऐसे देख रहा है भाई कहा गए बह गए एक्चुअली में बह गए मैं, मैं प्रमित को कह रहा हूं साले खुद पांच दिन पहले सीए बनाए भाई थोड़ी देर के बाद भाई उनको कोई निकाल के रहा है जो गोताखोर नहीं होते वहां पे वो लेकर आ रहे हैं जिंदा है भाई मैं नहीं नाहगा गंगा में कभी भी मैंने कहा किसने बोला था कूदने के लिए फिर हमने उनको पैसे वैसे दिए जिन्होंने ने बचाया उनको मैंने कहा मैंने कहा सले प्रमित मैं अगली बार जब भी गंगा आऊंगा मैं पहली पेड़ी पे बैठ के नाऊंगा

है? तो फिर हम दोनों को भी कूदना ही पड़ता वापस जाने की में तो नहीं, मम्मी मारती हमको सरदार को तो पक्का मारती मैं गवाही देता यही था वो किसी तूने की थी ये हरकत वीडियो पहुंच गई है तो तेरे तक पुनित भैया को भी भेजना ठीक है वो भी हंस लेंगे थोड़ा सा लो जी पुनीत भैया आप अपने बच्चों को भी दिखाना आप तो बड़े हो गए होंगे कि आपने क्या हरकतें की हैं एक सरदार के चक्कर में लो जी पढ़ाई करें अब अब तो हंस लो यारो जो थोड़ा गर्म गरम थे आज अच्छा कंसेप्ट करवाऊ या लाइट करवाऊ आपके ब्रेक से पहले लास्ट क्लास है आपकी ब्रेक से पहले लाइट कंटेंट करवाऊ लो जी लाइट कंटेंट कर लो ठीक है ये एक कंसेप्ट कर लो बड़ा छोटा सा है ऑब्जेक्टिव आपको समझ आया इनहेरेंट लिमिटेशन समझ आई <coughs> अब सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड ध्यान से सुनिएगा जब भी आप कहीं पे काम करने जाते हो तो आपको आपका ना स्कोप ऑफ वर्क दिया जाता है दिया जाता है या नहीं मैं स्टैंड अप कॉमेडियन भी अच्छा बन सकता हूँ ना तो जब मेरा ही फेल हो जाएगा ना तब मैं कर लूंगा तो कहाँ जा रहा है जल्दी हो क्या जब भी हम कोई नया काम करते हैं कहीं पे भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्कोप ऑफ वर्क मिलता है यस और नो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कितना काम करना है क्या क्या आप करने वाले हो बेसिकली तो ऐसे ही जब एक ऑडिटर कहीं पे भी ऑडिट करने जाता है तो उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है ये डिसाइड होना चाहिए नहीं ऐसे इंटरनल ऑडिटर का जो स्कोप ऑफ वर्क है बेटा मैं देखो दोनों ऑडिटर के हिसाब से पढ़ाऊंगा ताकि आपको हमेशा ये क्लियर रहे कि इंटरनल ऑडिटर क्या करता है स्टैट क्या करता है हालांकि आपको अभी जो किताब में दिया है वो किसके हिसाब से दिया है तो दोनों के हिसाब से समझेंगे हम जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका स्कोप जो डिसाइड करता है वो कौन करेगा बताओ मैनेजमेंट क्योंकि आपको मेरी पहली क्लास से याद है मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कपिल जी हम आपको एज ए इंटरनल ऑडिटर हायर कर रहे हैं लेकिन आप कहीं पे भी अपना मुंह मत मारना सिर्फ आपको एचआर डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट का करना है और एचआर का करना है ठीक है उसके अलावा भी एरिया दे दिया जाएगा कि आपको सिर्फ छह महीने का करना है तीन का करना है मतलब सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है मैनेजमेंट उसके बीच में अपनी गाइडेंस जरूर दे सकता हूँ एडवाइस जरूर दे सकता हूँ कि भाई साहब अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो तो रिवेन्यू भी करवा लो या ये भी करवा लो मतलब इंटरनल ऑडिटर के हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए स्कोप में अब स्कोप अगर मिल गया तो मेरे को वो काम करने दो उसमें इंडिपेंडेंस चाहिए अदरवाइज तो मैं इंटरनल ऑडिट भी नहीं कर पाऊंगा या ना क्या स्टैट ऑडिटर का स्कोप भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी नहीं स्टैट ऑडिटर का जो स्कोप है वो लो में डिसाइडेड है स्टैट्यूट में डिसाइडेड है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है तो आपको कंप्लीट फाइनेंशियल कवर करना पड़ेगा या नोट्स टू अकाउंट छोड़ दू कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट मुझे करना पड़ेगा मैं इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकता सारे डिस्कलोजर्स देखने पड़ेंगे सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज देखनी पड़ेगी सभी अकाउंट्स का ऑडिट करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी तो दिस इज इंक्लूडेड इन आर स्कोप बात समझ आई दिस इज इंक्लूडेड इन आर अगर मैं खुद भी चाहूं छोड़ सकता हूं क्या कुछ खुद चाहू तो ऑडिटर चाहे तो छोड़ सकता है कि इस बार ना कंफर्मेशन नहीं लेंगे डेटर से कंफर्मेशन छोड़ सकता है नहीं छोड़ सकते मैनेजमेंट बोले कि यार ये काम मत करो तो भी नहीं कर सकते तो हमारा स्कोप मतलब पूरा सभी स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करना हमारा स्कोप है और वो मैंडेटरली हमें फॉलो करना पड़ेगा अब आप थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं अब ऑडिटर जब कहीं ऑडिट करने जाता है यहां पे मैं एक देता हूं, बहुत फनी एग्जाम्पल है लेकिन मैं आज स्किप कर रहा हूँ वो क्योंकि बहुत सारा हंसी मजाक ऑलरेडी पहले हो गया है और बिना एग्जाम्पल के कंसेप्ट में समझा सकता हूँ तो जब हम कहीं पे ऑडिट करने जाते हैं तो मैनेजमेंट की ना हमारे उससे बड़ी सारी एक्सपेक्टेशन होती है बिकॉज हमको उन्हें ऑडिटर और उसे लगता है ये बड़ा ना नॉलेजेबल पर्सन है यस और नो तो कभी कभी वो हमारे हमें बुलाता है कपिल साहब इधर आओ मैं जाता हूँ हाँ जी बताओ ये हमारा एक मशीन है चेक करके बताओ कितने दिन और अप्रीशियेशन लेना है इसका कब तक सही चलेगी ये बता सकता हूँ क्या वो कहता है ये हमारा प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी बताओ कैसी है तुम तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने की तुम्हें तो आदत है ना जल्दी बताओ बता सकता हूँ क्या भाई मेरे पास वो एक्सपर्टीज आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि ये सारी चीजें मैं बता पाऊंगा ये मेरे स्कोप से बाहर है ना ही मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं तो तो इन्वेस्टिगेशन भी मेरे स्कोप से क्या है है बाहर तो अगर आप मेरी लास्ट बुक का चैप्टर देखोगे तो पांच पॉइंट को एक साथ मर्ज करके लिखा गया था कि स्कोप में क्या इंक्लूडेड है और स्कोप में क्या एक्सक्लूडेड है अब आई ने दो कंसेप्ट में डिवाइड कर दिया स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड्स और अगला ही कांसेप्ट अगर आप देखेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड पहले पांच एक साथ थे कि आप हमसे हमारे काम के अलावा कोई दूसरा काम एक्सपेक्ट मत करना दूसरा पॉइंट नहीं हमारा जो स्कोप है हम उससे कम काम करेंगे हमें जितना स्कोप है हमारा हम उतना 100% पूरा काम करने वाले हैं ध्यान से रीड करना बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर ठीक है लो जी <coughs> स्कोप रेफर्स टू रेंज और रीच ऑफ समी लाइन रिपीट है ऑडिट का परपज क्या है दर्पज ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर इन दाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी शेयर होल्डर्स एम्प्लॉय कस्टमर गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज बैंकर एक्सेट्रा इनहानसिंग द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इज अचीव बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन बाय द ऑडिटर on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting आपको आपकी स्किल और आपका आर्ट रहेगा कि ऑब्जेक्टिव आपको या ऑब्जेक्टिव या बेसिक पर्पस ऑफ ऑडिट आप किस क्वेश्चन के आंसर में किस तरह से फ्रेम करते हैं करो तो भी अच्छी बात है ना करो तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे कहता है फॉलोइंग पॉइंट आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर वन कहता है

दूसरा कहता है कि अब आप जब ये सभी आइटम्स को चेक कर रहे हो सभी एस्पेक्ट को जब आप चेक कर रहे हो तो चेक करने के लिए आपको क्या ऑप्टेन करना पड़ेगा सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस। कैसे ऑप्टेन करोगे रिलायबिलिटी कैसे पता चलेगी कि एविडेंस रिलायबल है या नहीं बताओ हाँ मैनेजमेंट तो कही सब रिलायबल है एक तो बच्ची सही बोल रही है आई टी एनवायरमेंट को हमने पहले चेक किया होगा दूसरा कंट्रोल्स भी तो हमने चेक किए होंगे ना जब कंट्रोल चेक किए होंगे और अगर मैं ये बोलता हूँ कि कंट्रोल का डिजाइनिंग भी सही है टीओसी में ऑपरेटिंग इफेक्टिव भी है तो क्या मेरा जो फाइनेंशियल के लिए जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है उन उनपे ट्रस्ट बढ़ जाएगा क्या रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी ना तो वही बोल रहे है कि आपको सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है सारे एस्पेक्ट को कवर करने के साथ साथ आपको रिलायबिलिटी एंड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी इंश्योर करना है और कैसे इंश्योर करोगे बाई डूंगीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल और वो बोलता है कि आपको साथ ही साथ सारे साथर्स भी देखने हैं तो तीन पॉइंट आपके यहां पे आते हैं स्कोप ऑफ ऑफ ऑडिट के अंदर नंबर ऑल एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स एंटिटी का मतलब क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनके आइटम उसके बाद बोलता है उन एस्पेक्ट्स के लिए आपको क्या लेना है रिलायबल एंड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तीसरा बोलता है आपको चेक करना है क्या प्रॉपर प्रोपर डिस्कलोजर अब इनको रीड करेंगे यहां पे आपको पॉइंट याद करना है ठीक है Audit of financial statement should be organized adequately to cover all aspects of the entity relevant to the financial statement being audited. Reliable and sufficiency of financial information. The auditor should be reasonably satisfied. क्या कहता है आपके बुक तो नहीं है प्रिंट निकाल रखा है सभी ने चेक करना यार भैया लगा दिया मैंने दोबारा देखेगा दूसरा कहता है रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाई That information contained in the underlying accounting records and other source data, जैसे कि बिल वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकता है एग्रीमेंट्स इज रिलायबल एंड सफिशियंट

इसी से पता चलेगा ना अब कोई बच्चा यहाँ ना बोले क्योंकि तो क्या हो गया? नंबर चेकिंग हो गया गया हमें रिलायबिलिटी चेक करना है तो तो हमें टीओसी से ही पता चल जाएगी तो यहाँ पे अपने जो प्रोसीजर होते हैं वो walk -through और Correct, बेटा उसके बाद कहता है कि आपको डिस्कलोजर भी चेक करने हैं ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्कलोज इन दाइनेंशियल स्टेटमेंट तक? आप सभी को तक ही याद करना है या देखना है इसके आगे सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करना है इट इज डन बाय इंश्योरिंग कैसे मतलब आप डिस्कलोजर कैसे देखोगे इट इज डन बाय इंश्योरिंगशियल स्टेटमेंट प्रोपरली समराइज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट बाई कंसिडरिंग जजमेंट मेड बायजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट

चूजिंग अप्रोप्रिएट मैथड फॉर वैल्युएशन ऑफ इन्वेंट्री हर जगह पर क्या यूज होता है, बेटा? Judgment यूज होता है। उसका एग्जाम्पल दे दिया ठीक है उसके बाद कहता है कि आपको ए एस वन ये भी इंश्योर करना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है दोज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइडर इवेल्युएट सलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बायजमेंट whether such a selection is proper and whether chosen policy has been applied consistently on a period to period basis yahan pe ye faltu ki baatein hain aapko kuch bhi nahi karna hai sirf aapne teen point ko karke jana hai kon kon se teen point batana coverage all aspects of the entity reliable and sufficiency of information proper disclosure of financial information बाकी सारी चीजें आप रीड करके हटा सकते हैं उसके बाद कहता है कि जो financial management बनाती है these are historical financial statement Understand that the financial statement of entity are prepared on historical financial information. Prospective basis pe hai, historically historical hai, hai? historical financial information means information expressed in financial terms in relation to a particular entity derived primarily from the entity accounting system about economic event occurring in the past time period or about economic condition or circumstances at point in time in the past.

हाईलाइट कर दिया ठीक है आगे चलते हैं वट इट इंक्लूड देखिएगा क्या मैनेजमेंट ये बोल सकता है कि आप हमारे डॉक्यूमेंट का जेन्यूनस बता दो कि आप हमारे इन्वेंट्री को बता दो कैसा है नहीं सर ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड ये पूरी लाइन हाईलाइट कीजिएगा सभी स्टूडेंट क्योंकि ये सिंगल लाइन आपके एग्जाम में आ सकती है विद ए वर्ड एक्सप्लेन मुझसे कोई ऐसा काम मत बोलना जो कि मेरी कॉम्पिटेंस के क्या हो बाहर हो फॉर एक्साम्पल अब एक्साम्पल का गेम है फॉर एग्जाम्पल फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट लाइक दैट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम कैसी है सही है नहीं है प्रोडक्शन करेगी नहीं करेगी लाइफ क्या है अपने को ये सब नॉलेज नहीं है

क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है उसके लिए आप रेलिवेंट जो भी इंजीनियर्स हैं जो भी जॉब प्रोफाइल है उन लोगों से आप पूछेगा मैं आपको नहीं बताने वाला हूं कल को मैं कल को ऐसा हो सकता है ना आपको मैंने ऑडिटर रख लिया आप डिजर्व करते हो दस लाख बट मुझे लगा यार बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है पचास लाख दे दो इसको मैं पचास लाख में आपको ले आया अब मैं आपके पास आया बताओ मशीन कैसी है आई एम नॉट कॉम्पिटेंट मुझे लगा ठीक है फिर मैं आपको फैक्ट्री में लेके गया बताओ मेरा स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है कॉम्पिटेंट मैंने क्या बोलूंगा इसको वापस से एक लाख पे करो आप बोलोगे भैया आपने एक्सपेक्ट ही कैसे किया मुझसे तो ऐसा हो सकता है ना कि मैनेजमेंट गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर ले आपसे तो पहले ही क्लियर करके चलो कि भैया बिगिनिंग में ही कि आप मुझसे कोई भी ऐसा काम मत बोलना जो मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर हो ठीक है उसके बाद क्या कहता है एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप जो पेपर मुझे दोगे आई विल बिलीव दैट पेपर इज ट्रू एंड जेन्युइन मैं इसको जाली या मेरे को नहीं पता कि आप इसको गलत दे रहे हो तो द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम बिकॉज ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड दूसरा एग्जाम्पल तीसरा वी आर डूइंग ऑडिट एंड नॉट इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इन टू एल इज रॉइंग डूंग

ठीक है और यहाँ पे ऑडिट के अंदर इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडेड नहीं है ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे ना एक अलग से भी मैं कंसेप्ट बनाऊंगा आपके लिए ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन बनना चाहिए क्या क्योंकि आईसीआई हो सकता है आपसे ये ना पूछे व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट वो तीन पॉइंट है इसके अंदर कि भैया आप हमसे वो काम नहीं बोलोगे जो हमारी कॉम्पिटेंस के बाहर है ही हम डॉक्यूमेंट की जेन्यूननेस बता पाएंगे ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑडिट है लेकिन मुझे लगता है आई सेपरेट बॉक्स बना के दूंगा मैं आपको तो आपको समझ आ जा जाएगा देखिएगा पढ़िएगा तो आप इसको एक सेपरेट क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़िएगा ऊपर वाले कंसेप्ट के साथ भी ऑडिट इज डिस्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल अलग है

कि फ्रॉड हुआ है ऑडिट में ऐसा होता है क्या कि फ्रोड हुआ है मैं जाके ऑडिट कर रहा हूं नहीं ऑब्जेक्टिव तो तो एक ऐसी आपसे आप पूछा क्या ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस है आपने कहा जी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक स्पेशल थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट होती है कि समथिंग हैपेंड बट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव कहाँ दिया है

लेकिन ऑडिट के अंदर आप ये नहीं बोलोगे कि मैं सिर्फ परचेज करूंगा या yes, रिवेन्यू करूंगा आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना ही करना पड़ेगा इस लास्ट लाइन को प्लीज लिखेगा इंपोर्टेंट फॉर करेक्ट इन करेक्ट ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा चैप्टर वन का ठीक है इसमें मार्क् कर रहा हूं क्लियर है यहां तक आगे चलते हैं <coughs>

मुझे तो वो रिपोर्ट करना पड़ता है जो नॉर्मल टेस्टिंग के दौरान मुझे मिलता है ऑफ ऑफ अकाउंट्स। इट क्वाइट पॉसिबल दैट सम टाइम इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट फ्रॉम द द फाइंडिंग ऑडिटर। अपने कुछ क्या मिली मटेरियल स्टेटमेंट मैंने किसको रिपोर्ट किया मैनेजमेंट कहती है थैंक यू यार आपने हमें बताया हम लोग भी इससे अवेयर उस टाइम तो मैनेजमेंट ने उन चीजों को जैसे तैसे ठीक करवा दिया अपना काम ऑडिट खत्म करवा लिया लेकिन अब मैनेजमेंट के दिमाग में एक चीज आ गई कि भैया ऑडिटर साहब ने कुछ गलतियां पकड़ी है चेक करवाओ किसने की है कैसे की है क्यों हुई है? हो सकता है क्या तो ऐसा हो सकता है कि ऑडिट के बाद ऑडिट की वजह से क्या स्टार्ट हो जाए इन वे... अब लाइन दोबारा पढ़ लो जिन बच्चों को नहीं समझ आई थी

क्योंकि वो उल्टा करके देगा आपको ऑडिट स्टार्टेड विदेश करके सही लिखना है इट द ऑडिटर समझ आया क्वेश्चन समझ आ गया ना एग्जाम में क्या आएगा एग्जाम में पूछेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑडिट स्टार्ट होता है क्या तो आपने रोम करके ये लाखरी की तीन लाइनें एक्सप्लेन करनी है ठीक है जी तो ये था आपका वॉट इट इंक्लूड्स इन स्कोप ऑफ ऑडिट एंड वॉट इट डज नॉट इंक्लूड इन स्कोप ऑफ ऑडिटिंग यहां तक क्लियर है मैं आपको कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं करवा रहा हूं आज ये स्पेक्ट हटा दीजिए बेटा आईसीआई ने रिमूव कर दिया इसको एक्सपेक्ट्स को रिमूव कर दीजिए प्लीज ठीक है एस्पेक्ट भी समझा दू आपको क्या ये? देखो आपने स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ा उसकी पहले ही पहला पॉइंट क्या है? कवर ऑल ऑफ कि भैया जब आप ऑडिट कर रहे हो तो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करो किसी को भी अगला क्वेश्चन ही क्या आता है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन क्या क्या क्या, क्या एस्पेक्ट्स को कैसे कवर करें तो ये एक बेसिकली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल कोई भी एक एस्पेक्ट आप पकड़ लीजिए जैसे कि, कि परचेज का ऑडिट करोगे तो आप उसको उसके अंदर क्या क्या कवर करोगे तो आप हमेशा सबसे पहले प्रोसीजर आपका क्या होता है वॉक थ्रू आया ना तो वो कहता है भैया सबसे पहले ना आप एग्जामिनेशन ऑफ करो करो अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का सिस्टम को रिव्यू करो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉक थ्रू एन टीओसी ठीक है अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से देख लो जब आप वर्क थ्रू और टीओसी कर लो उसके रिजल्ट के बेस पे आप लोग क्या करोगे सबस्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर याद है सबस्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दो तरह की टेस्टिंग होती थी क्या कौन-कौन को सी कोई बताए सबस्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर उसमें दो तरह के प्रोसीजर मैंने बताए थे एक टीओडी और एक अदर ऑडिट प्रोसीजर ठीक है बेटा आज आपको मैं एक और नई बात बता रहा हूं जब हम सैंपल चेक करते हैं ना जब आप सैंपल की चेकिंग करते हो डॉक्यूमेंट्स देखता हूं जब मैं इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं वाउचिंग क्या बोलते हैं वाउचिंग बेसिकली वाउचिंग क्यों बोलते हैं जब हम दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं देख रहे होते हैं तो बेसिकली हम उस इंफॉर्मेशन को वाउच कर रहे होते हैं वाउच वाउच इज ए नेम ऑफ चेकिंग ठीक है तो हम उस चीज को क्या कर रहे होते हैं सब सही है क्या मैच कर रहा है क्या तो इसे क्या बोलते हैं वाउचिंग ठीक है Vouching, जब आप किसी ईयर एंड पे किसी बैलेंस को देख रहे हो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो ठीक है वैल्यूएशन कर रहे हो

अब लगता है एक मना बड़ा अच्छा कंसेप्ट लिया जा सकता है बिकॉज वी हैव टाइम क्या कहना है आप लोगों का एक्चुअली मैं कहना क्लास को एक ऐसे लेवल पे क्लोज करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब बाद में आए ना तो आपको किसी तरह का कोई चैलेंज ना आए फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस कितने बच्चों का पेंडिंग चल रहा है कर लोगे पंद्रह तक भाई अगर अब भी नहीं करोगे तो कब करो प्लीज कोशिश करो आप हाँ ये फर्स्ट ग्रुप इतना डिले इसलिए हुआ है क्योंकि वो जी ट्वेंटी सबमिट और बीच में बाढ़ बाढ़ बारिश वगैरह आ गई थी क्या कह रहे हो पार्टी भी करते हो आप लोग यार वो एक आध दिन में कुछ नहीं होता मेन तो स्टार्टिंग आपकी शायद बीस पच्चीस दिन लेट हुई थी क्लास कर लेते हैं we have time और ये concept plain है है है, बिल्कुल। <coughs> लो जी। 200 के अंदर एक नया concept आता है कि जब अपना करता है, तो उसको ऑडिटिंग को फॉलो करके अपना ऑडिट करना है yes or no? yes or no? आपने कहा ठीक है जी एस ए नंबर टू हंड्रेड से लेकर सेवन ट्वेंटी तक हम सब फॉलो करेंगे तो दिस इज ऑप्शनल और दिस इज मैंडेटरी क्या अगर मान लो किसी एक स्टैंडर्ड की लिंकिंग किसी दूसरे स्टैंडर्ड के अंदर है तो वो लिंकिंग भी करनी पड़ेगी सर डेफिनेटली जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी आपको फॉलो करनी है अगर कोई स्टैंडर्ड रेलेवेंट ही नहीं है तो भी फॉलो करना है अगर रेलेवेंट ही नहीं है तो तो फॉलो कैसे करोगे एग्जाम्पल देता हूं एक आपका एस से नंबर आएगा एस नंबर टू नाइन नाइन जो कि क्या बना दो सौ निन्यानवे टू हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन वो स्टैंडर्ड बोलता है ज्वाइंट ऑडिट ज्वाइंट ऑडिट ये ज्वाइंट ऑडिट क्या होता है ज्वाइंट ऑडिट होता है नाम में क्या आ रहा है ज्वाइंट का मतलब दो कि जब दो लोग मिलकर किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं ना तो आपको क्या करना है एसए 299 अप्लाई करना है समझ आ रहा है यहां तक कि दो लोग अगर मिलकर ऑडिट कर रहे हैं तो आपको ज्वाइंट ऑडिट करना होगा को रिलायंस ऑडिट रिपोर्ट दिख रही है देखेगा यहां पे रिलायंस के ऑडिटर कौन है डिलॉयट एंड चतुर्वेदी एंड शाह कितने ऑडिटर हैं बेटा दो ऑडिटर हैं एक नहीं है तो क्या ऐसे 299 की रिक्वायरमेंट लगेगी लगेगी क्योंकि वो रूल बताता है कि जब किसी कंपनी का ऑडिट दो ऑडिटर दो अलग अलग फॉर्म मिलकर करती है तो किन चीजों का ध्यान रखना है? लड़ाई हो सकती है क्या उनकी बिल्कुल हो सकती है तो दो लोगों को जब ऑडिट मिलकर करना है तो ऐसे टू आपने अप्लाई करना है अगर मान लीजिए रिलायंस का ऑडिट अकेला के कर रहा है तो कैसे टू लगेगा फिर कैसे लगेगा फिर तो मैं अकेला हूँ सिंगल हूं कोई भी आपको अपना कोई भी नया स्टैंडर्ड नहीं लगाना तो हमारा ऐसे टू हंड्रेड बोलता है कि जब भी आप अपना ऑडिट कर रहे हो ना आपको सभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड रेलेवेंट नहीं है तो उसको फॉलो करोगे तो उसको फॉलो नहीं करेंगे ये थी पहली मेन बात ठीक है दूसरी बात पहले मैं पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दूसरी बात वो कहता है जब भी आप किसी क्लाइंट को स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर sure आपने जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं उन सबको फॉलो किया हो वो फंडामेंटल रूल कौन कौन से होते हैं इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल वो कह रहा है आपने इन चीजों को फॉलो करना है लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस पढ़कर आए हो कि जब भी आप कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करें तो भैया श्योर यू आर इंडिपेंडेंट और कुछ चीजें और बताता है कि भैया आप फॉर एग्जांपल जो हमारी प्रिया शर्मा जी हैं सीए प्रिया शर्मा जी जो है यहाँ पे ये अभी तक ऑयल एंड गैस का काम कर रही है अपने लास्ट में फार्मा का ऑडिट मिल रहा था ना इनको इनको मान लो टेलीकोम्युनिकेशन या फार्मा का क्लाइंट मिला शी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कैन साइन दी फाइनेंशियल लेकिन इनको एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या इनको वो ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए तो इनको बोला जाता है कि आपके यहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए तो पहला तो आपने बताया ठीक है जी आपको रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है दैट्स फाइन वील डू इट दूसरा कहता है कि आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है किसको पूरा करना है बेटा एथिकल रिक्वायरमेंट्स को आपने फॉलो करना है अब ये एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वही एथिकल रिक्वायरमेंट है बस उसमें आपने दो तीन और एड कर देना है तो सबसे पहले क्या है बेटा इंटीग्रिटी वही ईमानदारी ऑब्जेक्टिविटी जजमेंट मेरा मेरे हिसाब से रहेगा आपके हिसाब से नहीं रहेगा तो इससे काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली या ना इट्स काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली भाई ऑब्जेक्टिविटी क्या हुआ ऑब्जेक्टिविटी यही हुआ ना कि पूरे इंडिपेंडेंस में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस भी ऑब्जेक्टिविटी से इंश्योर हो रहा है कि मेरा जजमेंट मेरे हिसाब से आपके हिसाब से नहीं चलेगा भैया तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिपेंडेंस को ही तो सपोर्ट करता है उसके बाद कहता है यू शुड बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट आया ना आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है क्लाइंट के डेटा की अच्छा ऐसा भी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना जरूरी है मतलब मैं रिलायंस के डेटा को क्या अपने घर पे आकर डिस्कस नहीं कर सकता पब्लिक में शेयर नहीं कर सकता आज मैं आपके यहाँ पे कपिल गोयल पढ़ा रहा है मैं जिंदल का डेटा शेयर नहीं कर सकता नो आई डू दिस अदरवाइज अगर मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करता हूं क्या होगा आईसीआई मेरा मेंबरशिप नंबर रिजेक्ट करेगा वो तो करेगा ही करेगा मुझे ऊपर पेनल्टी लगाएगा प्लस जेल भी करेगा ठीक है तो कॉन्फिडेंशियलिटी आप ब्रीच नहीं कर सकते लेकिन सर हमको तो लॉ में टीचर ने एक बात पढ़ाई थी सेक्शन 143 फोर्टी थ्री ट्वेल्व में पढ़कर आयो क्या पढ़कर आयो कि अगर ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड मिलता है क्लाइंट प्लेस पे तो उसे रिपोर्ट करना है सीजी को याद है सेंट्रल को और आप बोल रहे हो कि आपको क्या रखना है कॉन्फिडेंशियल रखना है तो ऐसे तो मैं सीजी को बताऊंगा मेरे को आई से ही बताएगा तो फिर एक एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है बताना तो आप बताइए ब्रीच नहीं करेंगे अंटिल एन रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन बात समझ आती है उसके बाद एक और कंसेप्ट है एंड प्रोफेशनल बिहेवियर एंड भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए आपने कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन कर ली आप इंटीग्रिटी भी फॉलो कर रहे हो सब काम कर रहे हो प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे आप हाँ भाई सचिन आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे मैं आपको बोल रहा हूं आओ मुझसे मिलने घर पर आप आ नहीं रहे हो मैं आपको कह रहा हूं मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दो आप दे नहीं रहे हो तो आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हो तो क्या प्रोफेशनली काम करना भी जरूरी है यस yes. तो आपके एथिकल रिक्वायरमेंट में आपको पांच पॉइंट दिख रहे हैं पांचों मेरे साथ दोबारा रिपीट करेंगे नंबर वन इंटीग्रिटी और इनको आप क्या बोलते हो एथिकल रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं भाई एथिक्स एथिक्स लुक्स लुक्स गुड इन बुक्स आप बोलते हो ना रियल लाइफ में तो कहा घंटा होता है एथिकल रिक्वायरमेंट आपसे हमें रियल लाइफ में जाकर थोड़ी ना क्लाइंट प्लेस पे बोलना है कि आई हैव फॉलोड द एथिकल रिक्वायरमेंट क्लाइंट कहेगा साले कौन सा इंटर का एग्जाम लिख रहे हैं यहां पे तो एथिकल रिक्वायरमेंट कौन कौन से बेटा इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर कॉन्फिडेंशियलिटी अब कुछ बच्चे सोचते हैं चार ही है नहीं भाई एंड है वहां पे एंड प्रोफेशनल बिहेवियर तो टोटल कितनी है पांच है यहां पे समझ आई आगे? आगे चलते हैं उसके बाद कहता है भैया इतना ही नहीं ऐसे टू हंड्रेड कहता है हमें कि आपको ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को भी फॉलो करना पड़ेगा इस वर्ड को बोलना और लिखना दोनों सीख लीजिएगा ठीक है क्या ठीक Skepti? है सही बोल रहा है भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमारे ऑडिटर का एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है जो आप अपने आंसर शीट में कम से कम दस बार लिखोगे रियल एग्जाम में। What is professional skepticism? Should have questioning mind. Alert! हमेशा क्वेश्चनिंग रहना है ये नहीं बीच में बात काट देनी है किसी की सुनकर क्वेश्चन जरूर पूछने हैं। सर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा ऐसा नहीं करोगे तो सब आपको सुनहरा दिखेगा सब अच्छा दिखेगा हाँ या ना तो क्वेश्चनिंग माइंड रहने से क्या होगा कहीं पे भी कुछ गड़बड़ रही होगी तो आप पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे तो क्वेश्चनिंग माइंड रहना है आपने हमेशा क्वेश्चन पूछने हैं ताकि कुछ भी आपकी नजरों से ना छूटे क्लाइंट आपको गलत इंफॉर्मेशन ना दे पाए आप गलत ओपिनियन इससे नहीं फ्रेम करोगे यस और नो क्वेश्चनिंग माइंड समझ आया आगे कहता है कि भैया ऑडिटर साहब आपको ना आपको हर जगह जजमेंट यूज करनी है जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था यस और नो क्लाइंट तो जजमेंट यूज करेगा करेगा आपको भी जजमेंट यूज करना है मुझे कहां कहां पे जजमेंट यूज करते हैं प्लानिंग से ही जजमेंट स्टार्ट हो जाती है कि कंट्रोल कैसे है कंट्रोल की डिजाइनिंग सही है या नहीं है मुझे सही लग रही है मैडम को सही नहीं लग रही है हो सकता है फिर मैं यहाँ पे टीओसी करूं या ना करूं मैं आपके लिए एक नई चीज ले आया आज अभी तक आपको पता था टीओसी करनी पड़ती है लेकिन अगर आज मैंने वैसे बोल दूँ टीओसी करूं या ना करूं ये भी मेरे पास ऑप्शन है तो आपके लिए नहीं होगी ना चलो छोड़ देते हैं इसको फिर आप सोचते हो कि टीओसी सही है कंट्रोल सही है या नहीं फिर इस एरिया में मैं सैंपलिंग करूं या ना करू आया ना भाई मैं बोलूंगा नहीं मैं तो हंड्रेड परसेंट चेक करूंगा नहीं कर रहा सैंपलिंग टोटल पचास ट्रांजेक्शन है क्यों करूं सैंपलिंग हो सकता है ना अगेन ए जजमेंट आपको कोई गलती मिली अब ये गलती छोटी है बड़ी है क्या है ये जजमेंट तो ऑडिटर हर जगह जजमेंट यूज कर रहा है तो वो कह रहा है कि आपने हमेशा कैसी जजमेंट यूज करनी है प्रोफेशनल जजमेंट

क्वांटिटी और अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है ना क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस तो आप जब भी किसी एरिया का ऑडिट 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 करेंगे यू हैव टू ऑब्टेन एविडेंसेस उसके बाद आता है रिस्क आगे बढ़ने से पहले 200 के अंदर ही टू 200 में ना ऑडिट रिस्क का भी ध्यान रखना ऑडिट रिस्क क्या होता है एन ऑडिटर मे में गिवेन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन किस वजह से इनअप्रोप्रियट ऑडिट ओपिनियन हो सकती है हो सकता है मैं गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा दू आया ना हो सकता है मैं गलत सैम्पलिंग कर दूं यस और नो तो आप बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आप क्या दे सकते हो गलत ओपिनियन तो यहीं पे ही मैं रिमूव करवा देता हूं इन चीजों को आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं वाई सर क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिर्फ एक लाइन आपका चैप्टर नंबर फोर जो अभी तक एग्जिस्टिंग बुक में, में मेरा फोर है शायद आपकी बुक में उसे थ्री कर दू आपके चैप्टर नंबर थ्री के अंदर पहला ही कंसेप्ट आता है बेटा किसके ऊपर ऑडिट रिस्क पूरे तीन से चार पेज आपके ऑडिट रिस्क में है

बताओ यहाँ पे इसलिए लिखा है चैप्टर वन में क्योंकि आप नीचे आप देख रहे हो कितनी बार आ गया ऑडिटर हैव टू सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दिया है ताकि आप लैंग्वेज को रीड कर पाए अदरवाइज मेन ये आगे वाले चैप्टर्स में तो अगर आप चैप्टर वन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको चार पॉइंट पे फोकस करना है एथिकल रिक्वायरमेंट्स के वाले पॉइंट याद करने हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रोफेशनल जजमेंट ठीक है professional ये क्या हो रहा है बात समझ आ रही है बेटा बाकी दो पॉइंट आप छोड़ सकते हो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है क्वेश्चनिंग माइंड ठीक है अब अपन इसको रीड करके खत्म कर दें ठीक है ये थ्योरी पोर्शन है मैं खुद बोल सकता हूं दिस इज नॉट प्रैक्टिकल दिस इज थ्योरी कोर थ्योरी है आप देखो ये सोचो कि सर पूरा हंड्रेड परसेंट सिलेबस आप हंसा हंसा के प्रैक्टिकल करवा दो नॉट पॉसिबल राइट right? बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ एट्टी परसेंट सब्जेक्ट आपका जो है प्रैक्टिकल है ट्वेंटी परसेंट थ्योरी है

तो आप कोई भी गेम खेलोगे तो देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप बुक में प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूं मैं आपका कंसेप्ट ऑडिटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैिटी ऑफ ऑडिटर बताओ कभी नहीं यहां पे ना आप मल्टीपल क्वेश्चन बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्वेश्चन नंबर टू एथिकल रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर थ्री प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्वेश्चन नंबर फोर प्रोफेशनल जजमेंट तो आप इनको चार अलग अलग क्वेश्चन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं जी समरी पहले समरी डिस्कस कर लें लो जी पहला क्वेश्चन है कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एस आपको सभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई करना है उनके सभी ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करना है सारी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट है जो स्टैंडर्ड की ऐसा भी हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट रेलिवेंट ना हो येस yes, अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है एक और एग्जाम्पल दू एक स्टैंडर्ड आएगा हमारा एस नंबर फाइव वन जीरो फाइव वो बोलता है कि जब आप कोई क्लाइंट पहली बार कर रहे हो ना तब आप कुछ चीजों का ध्यान रखना क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में सामने वाले की नॉलेज अगर मैं दूसरी बार कर रहा हूं तो तो 510 फॉलो करूंगा नहीं क्योंकि वो मैंने पहले कर लिया होगा तो वो हमारे लिए रेलीवेंट नहीं है अगर आप किसी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हो फेलियर टू अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूं अगर मैंने किसी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया चलेगा क्या तो आपको मेंशन करना पड़ेगा क्यों नहीं किया रीजन क्या था और आपने फिर अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया येस और नो ये बताना पड़ेगा तो ये बड़ा प्लेन था नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम मैं इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ साथ साथ एथिकल रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम मतलब आई थ्योरी क्वेश्चन भी पूछता है तकरीबन आठ से दस नंबर के तो प्लेन पूछ लेगा कि प्लीज एक्सप्लेन एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटर या कोई एक पूछ लेगा उसे लगता है भाई चार नंबर में इतना सारा पॉइंट थोड़ी ना लिखेगा स्टूडेंट तो वो सिंपली एक पूछ लेगा कि भाई इंटीग्रिटी को एक्सप्लेन कर दो फिर आप सोचोगे इसमें तो सिर्फ तीन लाइन है वो तीन लाइन के ही तीन नंबर दे रहा है आपको वहां दिमाग मत लगाना कि मैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी साथ में दे देता हूँ आई को करोगे क्या ऐसा कि मैं तो याद करके आया हूँ

उन एविडेंसेस को इवैल्यूएट करेंगे और क्या फ्रेम करेंगे एक ओपिनियन यस और नो अगर मान लो मैं अलर्ट ही नहीं हूं मेरे को मैनेजमेंट ने एविडेंस दिए आपको शाम को पांच बजे पार्टी में जाना है आप क्या करोगे सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है ओके करके एक ओपिनियन दे दोगे क्या आपने गलत काम किया अगर आप सही से ऑडिट कर रहे होते के साथ कर रहे होते तो अगर यहां पे कुछ मेन बात होती तो वो आप पकड़ लेते या नहीं तो जो कंक्लूजन में एक जनरल तरीके से बना रहा हूं चीजों को इग्नोर करते हुए क्या वो उसका वो गलत हो सकता है तो उसका रिस्क भी रिड्यूज होगा अगर मैं क्वेश्चनिंग माइंड हूं yes, तो तो यस कहता है इट विल रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवर जनरलाइजिंग ड्रॉइंग क्वेश्चन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन समझते हो भाई आपने किसी चीज को चेक किया और जो कमियां होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ठीक है भाई मेरी एक ऑब्जर्वेशन है क्या भैया आपने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज किया है तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो आप जनरलाइज नहीं करोगे ये पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा <coughs> कहता है इट विल रिड्यूस रिस्क ऑफ यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस इतना ही पढ़ लो बस अभी तक ऑडिटर क्या अजम्पशंस लेगा बहुत सारी गलत ले सकता है अगर आप एक्टिव नहीं हो अलर्ट नहीं हो तो क्या है इट विल रिड्यूस रिस्क ऑफ़ यूजिंग ट अजम्शन तो तीन इसने रिस्क बताए हैं कि अगर आप प्रोफेशनल कैप्टिज को फॉलो करते हो इट विल रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवर लुकिंग अनयूजल सर्कमस्टांस ओवर जनरलाइजिंग, वेन ड्रॉइंग कॉन्क्लूजन फॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन और यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पन याद करना है बेटा ठीक है उसके बाद कहता है प्रोफेशनल जजमेंट

तो क्या मेरे को प्रोफेशनल जजमेंट सिर्फ प्लानिंग पे लगाना है बाद में पागल हो जाऊं <laughs> नहीं आपको प्लानिंग पे भी लगाना है एग्जीक्यूशन पे भी और यहाँ तो ना सिर्फ लिखा है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग मैं रिपोर्टिंग पे नहीं लगाऊंगा करोगे कैसा नहीं ठीक है हाँ दूसरी लाइन में लिख दिया ना क्या इट शुड बी एक्सरसाइज थ्रू आउट ऑडिट उसके बाद कहता है आपको ना प्रोफेशनल जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कब कब

परचेज में मैं टीओडी लगाऊं या अदर लगाऊं किस अजर्शन पे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है वेदर इट नीड आपका क्या प्रोफेशनल जजमेंट और नो तो ये बता रहा है कि प्रोफेशनल जजमेंट कहां इंपॉर्टेंट है टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट मटीरियलिटी नंबर टू ऑडिट रिस्क नंबर थ्री ऑडिट प्रोसीजर सर ये एन क्या है समझाऊंगा अभी उसके बाद कहता है कि आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि जो ऑडिट प्रोसीजर आपने लगाए हैं और जो एविडेंसेस आए हैं क्या वो एविडेंसिस और अप्रोप्रिएट है या नहीं कैसे डिसाइड करोगे भाई अप्लाइंग प्रोफेशनल जजमेंट ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट की जो जजमेंट है वो सही है या नहीं आपको क्या लगानी पड़ेगी अपनी जजमेंट और ये देखने के लिए जो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस वो सही है या नहीं क्या लगानी पड़ेगी तो ये पांच एग्जाम्पल है मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि जब आप बीसवीं तीसवीं क्लास तक आएंगे आप यहाँ पचास एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो इन कंसेप्ट को ना अभी माइंड पे मत लेना और एक और बात जो पांचवी क्लास में मेरे को बोलनी होती है हमेशा ऑडिट आपके लिए एक बहुत नया सब्जेक्ट है डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ नई ना टर्म्स आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगा तो कुछ बच्चे तो इंजॉय कर रहे होते हैं सब्जेक्ट को कुछ ना इसमें आके ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं इस स्टेज पे आके यार ना मेरे को तो डर लग रहा है इस सब्जेक्ट से मैं सिर्फ उन बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा तकरीबन थर्टीनथ लेक्चर तक पंद्रह लेक्चर तक क्या बनाया जाता है बेस फिफ्टीन लेक्चर तक मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके पिलर्स बनाने हैं बेटा मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि फाउंडेशन बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा एक बार मेरा फाउंडेशन तैयार हो गया आप समझ लेना कि बिल्डिंग ऐसे खड़ी होगी कि मेरे को कुछ समझाना ही नहीं है तो सर पंद्रह क्लास के बाद मतलब हम रिफंड ले सकते हैं ऐसा नहीं है बेसिकली स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर मुझे आपको जैसे अब एंटी आ गया आया ना ऐसे में आपको जितना भी ऑडिट का ज्ञान होता है ना वो लेक्चर में दूंगा उसके बाद तो बस हम सिलेबस खत्म करेंगे मतलब फिफ्टीन क्लासेस के बाद फिफ्टीन टू सेवनटीन क्लासेस में आपको सब समझ आ जाएगा लेकिन उससे पहले अगर आप अपने आप को स्ट्रेस दोगे तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात है तो बिल्कुल रिलैक्स हो गए जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है जितना समझा रहा हूं बस उतना ही करना है एडवांस भी नहीं करना और कम भी नहीं करना तो यहां तक आपको कोई दिक्कत प्रोफेशनल जजमेंट क्या मटीरियलिटी ऑडिट रिस्क एन टी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मैनेजमेंट की जजमेंट ओपिनियन को फ्रेम करने में सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को देखने में क्या रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड है क्या अब डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज दिस एन दो बार आ गया था कि आप रिवीजन करें तो आप रिलेट कर पाए यहाँ पे एन का मतलब है नेचर टाइम का मतलब है टी का मतलब है टाइम और ई का मतलब है एक्सटेंड तो तीनों को एक साथ बोलो क्या नेचर टाइम एंड एक्सटेंड दोबारा बोलेंगे एन टी का मतलब क्या है नेचर टाइम एंड एक्सटेंड लाइव वाले भी बोलेंगे क्या नेचर टाइम एंड एक्सटेंड सर आप सुन तो नहीं रहे साले बोल क्या नेचर टाइम एंड अब बोला तू सर मैं तो अब भी नहीं बोली तो बेटा आप भी बोलो क्या नेचर टाइम एंड समझिएगा नेचर टाइम एंड एक्सटेंड इज ए जनरल वर्ड विच यू कैन अपलाई इन यूर रियल लाइफ कैसे सर बेटा आप क्या कर रहे हो सी ए कर रहे हो आपको डेली बेसिस पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसे करना है ये क्या है नेचर टाइम एंड एक्सटेंड नेचर सर मैं आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ू आप ये डिसाइड कर सकते हो अपना स्टडी प्लान बनाते टाइम कि आज मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है टाइम किस टाइम पर करना है भाई मेरा ना अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है दस है। दिन में सारे क्वेश्चन कर दूंगा सबसे पहले करना पसंद करोगे नहीं यू आर वेरी गुड आप सही कर रहे हो नहीं सर इसका नेचर अकाउंट पढ़ना है पर टाइम अभी नहीं पढ़ना सर इसको मैं उठाऊंगा पेपर से सिर्फ डेढ़ महीने पहले टाइम इसका क्या रखा आपने लास्ट ऑडिटिंग सब्जेक्ट पढ़ना है नेचर सब्जेक्ट का क्या आ गया ऑडिटिंग टाइम सर इट इज ए पेपर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी है लेकिन किताब का नाम सर ने आराधना रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा मतलब डेली आधे घंटे पढ़ना है और अभी से पढ़ना है तो टाइम डेली बेसिस एक्सटेंट कितना पढ़ना है यस और नो बाई थर्टी मिनट वन आवर तो दीज थ्री वर्ड्स यू कैन अप्लाई इन योर रियल लाइफ सिचुएशन मैं रिलेशनशिप में हूं मेरे रिलेशनशिप का मुझे एन टी ई डिसाइड करना है कर सकते हो बिल्कुल एन क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या मुझे फ्रेंड फ्रेंड खेलना है क्या मुझे ब्रदर सिस्टर खेलना है क्या मुझे मम्मी की नजर में दोस्त दोस्तों की नजर में गर्लफ्रेंड खेलना है क्या हम दोनों कंफ्यूज्ड? साथ साथ तो हैं, बट दोनों को ही नहीं पता क्यों हैं। वो खेलना है आपने खुद देखना है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या रखना है नेचर टाइम कितना टाइम देना है इस रिलेशनशिप को क्या आप डेली दो तो मिनट की कॉल से काम चल जाता है गुड मॉर्निंग गुड नाइट या आप बेबी खाना खाया मेरा बाबू ने ताना खाया मेरा बाबू उठ गया मेरा बाबू सोया है मेरा बाबू अभी ऑडिट की क्लास में गया है अरे बेबी साथ ही आ जाए इससे बढ़िया तो तो आपने देखना टाइम कितना दिया एक्सटेंड किस रिलेशन किस लेवल पे टॉक्सिक हो चुका है क्या या भी, <laughs> <laughs> देखो अंत वही है मानते हो ये जो मैं तो अभी सोचता हूँ कि मतलब बच्चों में जो रिलेशनशिप चलते बड़ी फैंसी चलता हैं ना आप आप, आप 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 आपने कभी आप सुना है आपने कभी आप सुना है आप सुना है किसी ने बोला है, आप. आपने कभी आप सुना है? में, जब लड़की लड़के को बोल रही होती आप मैं कह रहा हूं अगर ऐसी लड़के ना तो दस बार पाओ में पड़ जा आप भाई साहब एक दिन अग्रीमा ने गलती से मुझे बोल दिया आप मैं बोल रहा था आज तो तुमने दिन में टिका रखी है क्या आप मतलब हमने कभी नहीं सुने ये वर्ड एक्चुअली में हमने कभी नहीं सुने तुम तुम बोलते भैया तुम में तो हमें इज्जत मिल जाती है पूरी आप लोग आप बोलते हो ना मुझे लगता है वाह क्या नादान बालक है भैया मैंने आपको चौपाल का एक किस्सा सुनाया जाट वाला सुना दिया होगा दोबारा सुन हम ना मैं सुना चुका हूँ आपको ये वाली बात हम साथ में बैठे हुए थे मैं सुना चुका हूँ मेरे को याद है फर्स्ट क्लास में तो मैंने कहा सर अग्रिमा मुझे तू करके बुलाती है बोले कंप्लीटली सुना दिया ना वो हमारे साथ एक जाट जाट अंकल बैठ जाट अंकल बैठते हैं वो कहते हैं मेरी वाइफ तो बोलते खाना है तो खा ले नहीं तो नहीं मिलेगा अब मैं कोई बात नहीं मेरे को याद है मैंने सुना दिया कोई बात नहीं चलो ठीक है ठीक है सुना देंगे बेसिकली किस्सा इतना है मैं खत्म कर रहा हूँ हम तो फिर भी तुम पे हैं हमारे साथ एक जाट भैया बैठते हैं अंकल जी बैठते हैं सेवेंटी थ्री ऑफ एज वो कहते हैं मेरी जाटनी मेरे को बोलती है खाना खाना है तो खा ले नहीं तो कोना मिलेगा ऐसा कुछ उन्होंने बोला और मैं तो पागल हो गया पे वो कह रहे हैं तुम्हें तुम की इज्जत तो मिल रही है हमें तो तू मिलता है कि तू आ गया और उसमें मुझे लगता है बड़ा प्यार है और आप लोग तो अभी आप पर हो आपको तो जर्नी बेटा बितानी अभी आपसे तुम पे आओगे फिर तू पे आओगे और फिर ऐसी ऐसी गालियां ना मतलब देखो रिलेशनशिप में कितना होता है ये भी ना कुछ वॉक थ्रू की तरह ही है हाँ कि जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो हाँ बेबी का कंधा ना यही है आप कितने प्यारे हो ना यू आर सो so स्वीट तुम्हारे जैसा तो लड़का ही नहीं है यू आर सो हम्बल सो केयरिंग और मतलब उसको मैनेजमेंट अच्छी लग रही है उसको लग रहा है इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं लेकिन जैसे ही रिश्ता थोड़ा सा बीतता है और जब ब्रेकअप होता है ओहो लड़किया वो गालिया तो अपने बस की बात तो है नहीं क्या क्या बोलते हो बेटा आप लोग ऐसा गंदा आदमी नहीं है मैंने कहा कैसे पिक्चर कैसे बदली सर अब हम एग्जीक्यूशन कर चुके हैं पहले हम कहा थे प्लानिंग पे थे तो अभी ऐसा क्लाइंट प्लेस पे भी होता है लो जी अब रीड करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकोर्डेंस विद एस एसैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड्स का कम्प्लायंस देखना है उनका ऑब्जेक्टिव देखना है स्टैंडर्ड की सारी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करना है अगर फेलियर है तो उसे रिकॉर्ड करना है ठीक है यहां पे नीचे इन्होंने दिया है सब एक एक पॉइंट कॉम्प्लायंस आप लिख सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन अपने नॉलेज के लिए कि भैया द ऑडिटर शेल कॉम्प्लाई विद ऑल एस एज रेलिवेंट टू दी ऑडिट

तो क्या ये लाइन हमें लिखनी चाहिए जब तक हम उन्हें फॉलो ना करें नहीं लिखनी चाहिए तो क्या कहता है द ऑडिटर शेल नॉट रिप्रेजेंट कॉम्प्लाइंस विद एस एन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एस एज ठीक है ऑब्जेक्टिव कह रहे ऑडिटर को रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए और इंटरलिंकिंग भी पता होनी चाहिए ऑडिटर यूज दिस ऑब्जेक्टिव टू अचीव ओवरऑल स्टेट्स इन इंडिया इंडिया इसलिए क्योंकि अब हम रेलिवेंट इंडिया के रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो भी स्टैंडर्ड है उसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए इंटर रिलेशनशिप भी है ऑडिटर डिटरमाइन इफ एनी ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू द रिक्वाड बाई एस एज ने लाइन बताओ आप क्या लाइन लिखिए ऑडिटर है ऑडिट प्रोसीजर

ठीक पांच सौ तो एक ही होता है रिक्वायरमेंट इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज इट इज कंडीशनल एंड कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है जी डिपार्चर फ्रॉम रिक्वायरमेंट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस कह रहे हैं मैं किसी एस की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा हूं डिपार्ट कर रहा हूं किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में क्यों क्योंकि मेरे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर टू अचीव एम ऑफ द रिक्वायरमेंट तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या

पे उसने क्या लिख दिया कि अगर आप फेल हो रहे हो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने से तो जस्ट विद्रॉ फ्रॉम दी दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ आप रियल लाइफ में एंगेजमेंट से विद्रॉ नहीं कर पाते हो एट द एंड ऑफ दि स्टेज हमें हमारी रिपोर्ट देनी ही पड़ती है और इवन अगर आप बोलो सर विड्रॉल करना है तो बेटा देर आर लॉट्स ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट हमें सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है अगर मैं क्वार्टर मेरा खत्म होने वाला है मान लो तो मुझे उस क्वार्टर की ऑडिट रिपोर्ट देनी ही पड़ती है तो अभी तो कहना आप इंटर लेवल पे सिर्फ एक लाइन पढ़ रहे हो कि विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट बट रियल लाइफ इज डिफरेंट रियल लाइफ में विड्रॉल के अपने अलग रूल हैं ठीक है थेके? तो ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको कि बुक में हम कई बार लाइन सिंगल लाइन पढ़ते हैं अगर मैनेजमेंट ऑडिट ऑडिट एविडेंसेस नहीं दे रहा है विदड्रॉ फ्रॉम दी एंगेजमेंट आपको आप ओपिनियन फ्रेम नहीं कर पा रहे हो विद्रो फ्रॉम एंगेजमेंट बट इन रियल लाइफ दिस इज नॉट एन इजी टास्क ठीक है तो यहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है ठीक है लिख लीजिएगा यहां से आपका सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है एथिकल रिक्वायरमेंट टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्योरी कंसेप्ट से कहता है एथिक्स क्या है कोई कोई मेरे को बताएगा एथिक्स क्या होता है क्या होता है बेटा मेरे को तो नहीं पता वैसे क्या होता है, क्या होता है? कोई बता दो यार एथिक्स क्या होता है मोरल संस्कार जो मम्मी देती है कि सबके पांव छूने हैं हाँ जो लो देता है संस्कार किसी को एथिक्स पता है ये किताब क्या बोलती है वो पढ़ लेते हैं द टर्म एथिक्स मीन मोरल प्रिंसिपल विच गवर्न ए पर्सन बिहेवियर और इज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी तो आप अलग अलग बंदों का अलग अलग मॉरल हो सकता है एथिक्स इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल इंट्रेंसिकली आपके एथिक्स अलग हो सकते हैं आपके अलग हो सकते हैं जबकि आपके सेम क्वालिफिकेशन है एथिक्स इज द साइंस ऑफ मोरल ह्यूमन कंडक्ट याद करनी है भाई रट्टा यही ठीक है ये, उसके बाद क्या कहता है नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स कह रहा है एथिक्स तो ठीक है सबके अलग-अलग होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की क्या जरूरत है बताओ प्रोफेशनल एथिक्स की क्या जरूरत है मतलब आपको प्रोफेशनली सही बिहेव करना है इसकी क्या जरूरत है सही काम करना है ईमानदारी से काम करना है क्योंकि हम ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से सोचो अभी आप ऊपर पर्पज ऑफ ऑडिट पढ़कर आए हो कि हमारी रिपोर्ट पे रिलाय करते हैं तो रिलाड़ होल्डर इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने अपना काम एथिकली किया है वही बात लिखी है तो क्या कहता है नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स और अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया ये पूरा चैप्टर कहाँ पे आपका डिटेल में सी ए फाइनल ऑडिट में वहां डिटेल एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है प्रोफेशनल एथिक्स उसकी मैंने एक अलग ही किताब बना रखी है वो बताता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इतनी सजा है ऐसा करोगे तो इतनी है और क्या क्या नहीं कर सकते डिटेल में वहां दिया गया है कि एक क्या क्या नहीं कर सकता इवन जो मैंने आपका नाम लिखवाया है ना इस पर भी सजा है आपको पता है पता है आपको क्या आप तो सीए नहीं हो तो फिर आपको सजा कौन देगा हमारा सीए इंस्टीट्यूट आपको भी सजा दे सकता है लेकिन पहली सजा ना बड़ी छोटी है इसलिए दिल खोल के लगाओ पहली सजा बड़ी छोटी है चार हजार रुपए लेते हैं सिर्फ तो सोचो जिनका रिश्ता नहीं हो रहा जो सीए करने तो आए थे चार साल हो गए फाइनल नहीं हुआ अब लड़की मिल नहीं रही तो उस भाई ने क्या किया अपने शहर में ऑफिस खोल दिया नाम क्या है आपका सचिन नहीं एक्सवाईजी एन एसोसिएट सी सीए नहीं है रिश्ता हो गया

अकाउंटेंट तो बस आपने एक ही वर्ड हाईलाइट करना है ट्रस्ट ठीक है तो सोसाइटी का भैया हमारे ऊपर क्या है ट्रस्ट है जी या कर कर आ तो रिपीट, पेस्ट, क्या है द पर्पज बेटा मैं सिर्फ की हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि आप इतनी दस लाइने रटोगे थोड़ी ना बैठकर तो आपने देखा नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स मैंने दो वर्ड हाईलाइट किए क्या सोसाइटी ट्रस्ट तो अब आपको पता चल गया सोसाइटी का ट्रस्ट है अब सोसाइटी के अंदर क्या क्या आते हैं वो आप अपने हिसाब से बना लो उसके बाद ऊपर कवर कर इंटेंडेड यूजर देअ फोर यूजर नीड टू ट्रस्ट द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज प्रोफेशनल एथिक्स अब अगली अगला वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं प्रोफेशनल एथिक्स seeks to to protect the 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 interest of the profession as as a a whole and act as a shield that enable us to command respect. Any deviation from the ethical responsibility, इंटरेस्ट ऑफ द की एज है। क्या कहता है? एज एनेशन फ्रॉम द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम्पल यू आर नॉट बिहेविंग प्रोफेशनली आप गाली गलोच कर रहे हो क्या इस पे सजा मिल सकती है आपको बताओ हंड्रेड परसेंट यस बताओ कैसे किस प्रोविजन में आपको सजा दी जाएगी हा? नहीं क्या बोल के आपको सजा दी जाएगी यू आर डिसरेप्यूटिंग द प्रोफेशन आप किसको डिसरेप्यूट कर रहे हो आईसीआई को विल पेनालाइज यू तो आप ना सोसाइटी में भी गाली भी नहीं दे सकते दे लो किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपको पक्का एविडेंस के साथ कंप्लेंट कर दी तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी मतलब समझो इंडियन सिविल कोर्ट इंडियन कोर्ट्स आपको पनिशमेंट दे या ना दे वो एक अलग चीज है हमारे को आई पक्का पनिशमेंट दे देगा अगर किसी ने कंप्लेंट की तो और एक और बात बताऊं स्टूडेंट के भी नॉर्म्स हैं तो है। है। आप लोगों को पता ही नहीं होगा आर्टिकलशिप के भी नॉर्म्स हैं अभी फाइनल की फीस अलग से दो तो वो सारी चीजें फाइनल में दी हुई है आपके आर्टिकलशिप में आपको पता है बेटा आपने सुना होगा वर्क प्लेस पे सेक्शुअल हरेसमेंट बहुत ज्यादा होता है स्पेशली विद द गर्ल्स तो ये प्रोविजन भी बने हुए हैं कि अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो और आपका प्रिंसिपल आपको परेशान कर रहा है तो आपके क्या क्या राइट है पहले बहुत सारे बच्चे ना परेशान रहते थे पंद्रह पंद्रह घंटे काम करवा रहे हैं ये भाई गया आर्टिकलशिप करने सीखने ऑडिट कर इसे सब्जी मंगवाई जा रही है एक्चुअली में ये होता था पहले कि जा क्या उसको लगता था हजार रुपये का बंदा रख लिया हमने हो सकता है नहीं हो सकता आठ बेटा जब सब्जी ले लिया बेटी को स्कूल छोड़ के आया वो कह रहा है मैं ऑडिट सीख रहा हूं पहले ये सब होता था तो बड़ी दिक्कतें थी तो आई ने बहुत सारे प्रोविजन बना दिए ये आप भी सुनोगे जब आप रियल लाइफ में काम करने जाओगे तो आप पूछना अपने पार्टनर से कि सर ऐसा कभी होता था या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं ऐसा होता था पहले ठीक है तो क्या कहता है एनी डेविएशन फ्रॉम द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग द डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म द एक्शन मे इन टू fines suspension of membership removal from membership or other disciplinary action आप इसके साइड में लिख सकते हो डिटेल चैप्टर विल कम इन टू ca final समझ आया नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स तो तीन पॉइंट पे फोकस करना है आपने सबसे पहले सोसाइटी का ट्रस्ट है हमारी सर्विसेज में पर्पस क्या है हमारे एंगेजमेंट का और ये क्यों लाया गया सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो व्हाट विल बी द एक्शन बस एक कंसेप्ट है आपका प्रिंसिपल बेस अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच इसको सभी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे मतलब थ्योरी कंसेप्ट है लेकिन स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एक कहता है प्रिंसिपल बेस अप्रोच दूसरा रूल बेस रूल का मतलब क्या समझते हो भाई ये चार चीजें आपको ऐसी करनी है तो इसका मतलब ऐसे ही करनी है ना प्लस ना प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स का मतलब उसके अंदर आपके एथिक्स भी आ गए प्लस माइनस भी आ गया प्रिंसिपल बेस अप्रोच बोलती है कि आप रूल तो फॉलो कर ही लो लेकिन आप साथ ही साथ अपना जजमेंट भी फॉलो करो अगर आपको लगता है कोई काम सही है तो वो सही है यू हैव टू अप्लाई योर तो आपके हिसाब से कौन सा अप्रोच बेटर है प्रिंसिपल या रूल प्रिंसिपल बेस अप्रोच हमें अपना काम में फॉलो करना चाहिए रादर देन रूल बेस पढ़िएगा एसेंस ऑफ प्रिंसिपल बेस अप्रोच इज दैट इट रिक्वायर कॉम्प्लाइंसिस कॉम्प्लायसेज तो आपको यहां भी करने पड़ेंगे मतलब रूल्स वगैरह तो आपको यहां पर भी फॉलो करने हैं बट विद द स्प्रिट ऑफ एथिक्स ठीक है इट रिक्वायर अकाउंटेंट यहाँ पे अकाउंटेंट का मतलब क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड अपॉन देअर प्रोफेशनल नॉलेज स्किल एंड एक्सपर्टीज ऊपर आप पढ़कर आए हो प्रोफेशनल जजमेंट हमें नॉलेज लेने के बाद ट्रेनिंग्स लेने के बाद तभी हम लगा पाते हैं हाव एवर आप बेटा यहाँ पे ना एक अगर समरी वगैरह कभी बनाओ तो इसको अगली लाइन में लेके जाना हाव एवर रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स स्ट्रिक्ट फॉलो क्लियरली एस्टाब्लिश रूल्स ओनली इट मे लीड टू नेउटलुक एंड स्प्रिट ऑफ एथिक्स में बी ओवर लुक्ड

ऑडिटर शेल comply. अब ये अलग बस यहां पे खत्म हो गया ये पे खत्म इंडिपेंडेंस रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है नंबर वन इंटीग्रिटी नंबर टू ऑब्जेक्टिविटी नंबर थ्री प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नंबर फोर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नंबर फाइव प्रोफेशनली बिहेवियर ठीक है अब हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल

बेटा आप सभी जिनके पास बुक नहीं है अपनी नोटबुक में लिखेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उसके नीचे लिखे ओवर लुकिंग अनयूजल सर्कमस्टांस और उसके सामने लिखे एग्जाम्पल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कल क्लास नहीं है कल आप लोगों की क्लास नहीं है अब आपकी जब टैक्स की क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना हाँ पंद्रह से पहले खत्म हो जाएंगी ना पंद्रह को हो जाएगी सर ने मुझे ये बोला है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ठीक है बेटा उसके बाद कहता है इट विल रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवर जनरलाइजिंग जर्नलाइजिंग ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन तीसरा कहता है यूजिंग इन अप्रोप्रिएट अजम्पन इन डिसाइडिंग एन टी ई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेल्यूएटिंग द रिजल्ट देर ऑफ तो अब यहां पे एन टी समझ आ गया नेचर टाइम एंड एक्सटेंट किसका ऑडिट प्रोसीजर का एन का मतलब क्या हुआ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टाइम का मतलब हुआ

ये NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कैसे डिसाइड होगा बताओ जजमेंट से लेकिन जजमेंट के लिए क्या चाहिए नेचर ऑफ बिजनेस और भाई NTE टी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ध्यान से देखो आपको मैं सब सिखा चुका हूं नाउ यू हैव टू अप्लाई योर जजमेंट एंड गिव मी दी आंसर और हैंड रेस करके आंसर देना है मेरे को बेटा आपसे पूछना है यू हैव टू डिसाइड एन टी ऑफ एन टी ऑ ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आप किस फैक्टर के बेस पे एन टी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करेंगे हैंड रेस करके जवाब देना है अगर कोई दे पाए सारे एथिक्स तो मेरे को फॉलो करना है किसी काम को करने के लिए उससे क्लाइंट की कितनी कितना एन होगा उससे क्या फर्क पड़ता है भाई मैं एथिकल हूं मैं इंडिपेंडेंट हूं मैं प्रोफेशनल हूं इससे इस चीज पे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कितनी चेकिंग करनी है पड़ता है कोई फर्क एक पॉइंट ठीक है बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस और हाँ यार किसी ने एक बोला से रिस्क कितना है कौन सा रिस्क इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क उस एरिया की मटेरियलिटी कितनी है हां जी साइज कितना है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है भाई एन टी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा कब लगाना है कितना लगाना है अभी तो हम पढ़कर आए हैं सैंपल कितने निकलेंगे इसके लिए आपको तीन चीजें तो मेन चाहिए नंबर वन इनहेरेंट रिस्क नंबर टू कंट्रोल रिस्क नंबर थ्री मटीरियलिटी यही तो तीनों चीजें बताएंगे कितनी चेकिंग करनी है तो एंटी के लिए ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी मेन फैक्टर हो गए या नहीं हो गए तो अभी लिख लो फिर बाद में दोबारा समझाने से अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया या नहीं हो गया रिस्क एंड मटेरियलिटी तो so, एंट्री कैसे डिसाइड होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी आया ना तो अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करते हो

कहीं भी अगर आपको लगे कि कोई चीजें मैच नहीं हो रही यू शुड बी अलर्ट फॉर दिस ना उसके बाद कहता है क्वेश्चन ऑन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ऐसा लगे कि जब मैंने वर्बली डिस्कस किया था तो बंदे ने कुछ बताया था पेपर पे जब मैं देख रहा हूं तो कुछ और आ रहा है तो यू हैव ए डाउट ऑन दी रिलायबिलिटी यस और नो तो आस्क पर्सन कि भाई ये क्या है कल तो तू तो कुछ और बोल रहा था आज कुछ और है, तो तो कह रहा है आपने हमेशा अलर्ट रहना है कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्ट्री ऑडिट एविडेंस दिखे कहीं कोई किसी रिलायबिलिटी पे आपको सवाल हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जहां पे इंडिकेटर आ रहा हो किसका फ्रॉड का कोई बता पाएगा कोई एक ऐसा एग्जांपल जहां पे आपको लगे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड सेल्स एक्सट्रीम ज्यादा दिखा दी और एब्सोल्युटली राइट आपने पिछले साल देखा सेल एक्स फिगर है उसके पीछे एक दस परसेंट से बढ़ रही है बट इस साल आपको दिख रहा है यार सेल ढाई सौ परसेंट से बढ़ गई तो एक इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड हो सकता है क्या फ्रॉड तो क्या आपको ऐसे सिचुएशन में करना no. तो वो तो चेक करना पड़ेगा ना वो भी एक इंडिकेटर हो सकता है चेकिंग के टाइम पे हाँ डेटर्स बहुत सारे दिख रहे हैं एसेट ओवरवैल्यूड तो बेटा ये तो फिर चेकिंग के बाद पता चलेगी हाँ

टू डो सजेस्टेड इन एस एज आपको आपका ऑडिट पे जो सिचुएशन है ना वो बोल रहे कि भैया और काम कर लो जबकि आपने एस साले काम तो कर लिए तो इसका मतलब क्या है यू शुड बी क्वेश्चनिंग माइंड इसका मतलब चीजें सही नहीं है कोई एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल ये हो सकता है आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाह इन्वेंट्री का बट क्लाइंट कहता है कि भाई साहब फिजिकल वेरिफिकेशन तो कर लो बट इन्वेंट्री हमारे यहाँ नहीं है हमारी हमने हमारी इनवेंट्री गिरवी रखी हुई है बैंक के पे कर लो फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपको लगेगा यार फिजिकल तो चल मैं कर लूंगा, कर लूंगा बैंक जाके लूंगा लेकिन साथ साथ हो सकता है मुझे दो काम और करने पड़े तो आपको सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है जो आपकी किताब में है देर देर कैन बी मल्टीपल सिचुएशन वेर यू शुड फॉलो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्वेश्चंस यू शुड आस्क क्वेश्चन टू मैनेजमेंट तो दो चीजें आती हैं कि प्रोफेशनल्स कैप्टिसिज्म फॉलो करोगे तो रिस्क रिड्यूस हो जाएगा आप किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं करोगे और प्रॉपर अपना डिसीजन ले पाओगे चाहे वो ऑडिट प्रोसीजर हो चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ ऑडिट रिस्क हो यहाँ पे तो है ही नहीं वो सारी बातें चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ मटीरियलिटी हो यस और नो और कह रहे आपको ना क्वेश्चनिंग माइंड फॉलो करना चाहिए ये सिर्फ चार एग्जाम्पल दे रहा है कि कब जब कॉन्ट्राडिक्टी ऑडिट एविडेंस हो जब आपको डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पे सवाल हो

और वो अकाउंट आपको कैसा लग रहा है फ्रॉड रिस्क फैक्टर लग रहा है तो आप क्या इस डॉक्यूमेंट में रिलाय करना चाहोगे और यू वॉन्ट टू आस क्वेश्चन और यू टू अप्लाई सम मोर ऑडिट प्रोसीजर फॉर श्योर वी विल अप्लाई मोर ऑडिट प्रोसीजर ठीक है कहता है the may and as भाई हम पॉजिटिव के साथ ही तो काम कर रहे हैं ना तो क्लाइंट ने अगर मुझे सिंगल पेपर भी दिया है तो मैं उसे फर्जी मानूंगा असली मानूंगा हम तो ओरिजिनल मानेंगे तो क्या कह रहे हैं

हो जाए ये सब आपको याद नहीं करना है कुछ भी <coughs> एक और बात कहता है कि जो ऑडिटर है मान लीजिए मैं लास्ट टाइम आपके ऑडिट करने आया था और मुझे मैनेजमेंट बहुत सही लगी मैनेजमेंट ने सारा डेटा प्रोवाइड किया मुझे जो जो मैंने माना मांगा तो क्या अगली बार मैं ये मान लू सब कुछ बिल्कुल सही है कि देखो मैनेजमेंट कितनी अच्छी है ओनेस्ट है तो मैं कुछ चेकिंग ही ना करूं ऐसा मान सकते हो क्या मैं कोई क्वेश्चन ही ना पूछू उनसे नहीं यार वो ईमानदार है एक अच्छी बात है कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको बट आप चेकिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी तो क्या कहता है द ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एंटिटी मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अब एक नया वर्ड आ गया दोस्त चार्ज विद नाउ ये क्या बला है बेटा आपके कंपनी के अंदर दो लेयर ऑफ मैनेजमेंट होती है एक टॉप लेयर ऑफ मैनेजमेंट जो पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को बनाती है और उसके नीचे होता है सेकेंड लेयर ऑफ मैनेजमेंट जो उन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है एग्जीक्यूट करवाता है जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड सीएफओ, मैनेजमेंट है वो फाइनेंस की सारी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाता है लेकिन उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ वो उन पॉलिसी को बना रहे हैं तो जो डायरेक्टर जो सीईओ चेयरमैन पॉलिसी बना रहे हैं उनको हम बोलते हैं दो चार्ज विद गवर्नेस ये गवर्नेंस के रूल बना रहे हैं Who? Those charge with governance. और उसके नीचे कौन आता है मैनेजमेंट कौन आता है मैनेजमेंट तो कह रहा है कि आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनका पासपीरियंस जो आपका है उसको क्या कर दो डिसरिगार्ड कर दोबारा पढ़ रहा हूं द ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसंस ऑफ ऑनस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एंटिटी मैनेजमेंट एंड दोस्त विदर्स

प्रोफेशनल जजमेंट कहता है द एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन द कंटेक्ट प्रोवाइडेड बाई ऑडिटिंग अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड आपने सब चीजों को फॉलो करना है इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन सारे जो भी आप डिसीजन ले रहे हो अपने ऑडिट में हर जगह आपको क्या फॉलो करना है प्रोफेशनल जजमेंट दीज दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो प्रोफेशनल जजमेंट आपको कहाँ लगाना है सिर्फ प्लानिंग पे लगाना है तीनों स्टेज पे लगाना है तीनों स्टेज पे लगाना है ठीक है थीके? और प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ लगाते हैं है या नहीं मैनेजमेंट की जजमेंट को इवेल्युएट करने के लिए और फाइनली आप जो अपना कंक्लूजन फ्रेम करते हो वो देखने के लिए वो सही है या नहीं हर जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा प्रोफेशनल जजमेंट समझ आया उसके अलावा ऑडिट रिस्क है जो कि अभी हम छोड़ रहे हैं और सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है जो कि हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर से अभी स्किप कर रहे हैं होमवर्क लिखिएगा सभी स्टूडेंट प्लीज अच्छा एक कंसेप्ट और कर लो पहले ऑडिट मैंडेटरी है या वोट्री है ऑडिट मैंडेटरी और पार्टनरशिप के लिए वॉलेंट्री है हाँ टैक्स ऑडिट उनके लिए भी मैंडेटरी हो सकता है यदि उनका टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस कर जाए यार फिर भी जैसे स्कूल है मान लो प्रोप्राइटरशिप है पार्टनरशिप है ऑडिट मैंडेटरी नहीं है स्टिल दे कंडक्ट स्टैट ऑडिट वाई किस चीज के लिए बेटा बताओ आप बोल रहे थे कुछ क्यों पार्टनरशिप ऑडिट क्यों करवाती है तो नहीं है ताकि बोलो बेटा भाई वो बोल रहा है पहले हाँ पार्टनर्स yes, ताकि बाकी सब पार्टनर रिलाय कर सके फाइनेंशियल पे कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट हो तो उसे सोल्व कर सके कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसे पता चले हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है उससे क्या लेना है कोई जा रहा है तो वैल्यू डिसाइड कर सके इतना ही नहीं बहुत सारी गवर्नमेंट ग्रांट मिल ग्रांट मिलती है जिसमें सरकार बोलती है कि आपको क्या करवाना पड़ेगा ऑडिट करवाना पड़ेगा तो इन सब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी कभी कभी पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप और बाकी लोग जिनको जरूरी नहीं है वो लोग क्या करवाते हैं ऑडिट करवाते हैं क्या ऑडिट करवाने के वैसे फिर और कोई फायदा नहीं है हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट और बैंक से लोन और बैंक आपको लोन नहीं देगा बैंक कहेगा भैया ऑडिट करवा के लाओ आप कहोगे मेरे लिए लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं बैंक कहेगा भाग जाए यहां से तूने फाइनेंशियल खुद बना रखे हैं कैसे मान लो सही बना रखे हैं आया ना ये सचिन अपनी पापा की दुकान के फाइनेंशियल बना देता है इसके अकाउंट के टीचर ने इसको बैलेंस शीट बनानी सिखा दी ये कह रहा है पिताजी आज आपकी बैलेंस शीट बनाऊंगा बताओ कैश ऑन बैंक कितना है पापा ने कहा गला खोल के गिन ले कह रहे ग्यारह है कोई बात नहीं मैं ग्यारह लाख कर देता हूँ इन्वेंट्री बा... इसने फाइनेंशियल बना दिए फाइनेंशियल तूने असली बनाए फर्जी बनाए फिर तुने उसमें ना साइन कर दिया इन प्रोसेस सचिन गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क इन प्रोसेस हाफ सीए और पापा होगा ये लो आपके फाइनेंशियल पापा देख रहे हैं भाई साहब इतना पैसा ये तो तू सीए बन के हो तभी होगा पिताजी कहते हैं ठीक है बैंक जा रहा हूँ लोन लेने पिताजी जाते हैं भैया लोन दो बैंक वाला कहता है फाइनेंशियल दो उसने कहा ये लो उसने कहा सीए का, का साइन करा हाफ सीए का हो गया है बैंक लोन देगा क्या बैंक कहेगा भाई साहब पहले सीए से ऑडिट करवा के लाओ तो ऑडिट की जरूरत भी नहीं थी तब भी करवाना पड़ता है तो ऑडिट जो है कुछ कंपनीज कंपनीज के, के लिए तो मैंडेटरी है कुछ लोगों के लिए वॉलेंट्री है बट उनके लिए भी मैंडेटरी है टैक्स ऑडिट अगर लिमिट क्रॉस कर जाए और वो बाकी बेनिफिट्स तो ऑडिट के बहुत सारे हैं उन बेनिफिट्स को गेन करने के लिए अपना ऑडिट कोई भी करवा सकता है पढ़िएगा इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑडिट इज ऑलवेज लीगली मैंडेटरी

कि भैया हमारा हर साल क्या करवाएंगे हम ऑडिट करवाएंगे क्योंकि बेनिफिट बहुत है तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था थोड़ा सा कांसेप्ट था ये नीचे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट है बेटा सेल्फ पढ़ लोगे इसमें तो कुछ नहीं है हमने जो डिस्कस किया वही है लेकिन इसके साथ ना एक बात लिख लो क्या आई लव यू सुपर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कई बार जब पेपर बहुत आसान बनाना होता है ना सिंपल पूछ लेता है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट बता दे तो आप अपने मन से भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेल्फ रीड कर लेना कुछ भी नहीं है कंसेप्ट है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट आईसीआई के हिसाब से तो आपका चैप्टर वन खत्म हो गया है हमारे हिसाब से नहीं हुआ है मैंने आईसीआई का चैप्टर नंबर वन और आईसीआई का चैप्टर नंबर इलेवन दोनों को मर्ज करके एक चैप्टर बनाया आपका चैप्टर नंबर वन आईसीआई ने क्या गलती की है मैं वो भी बता देता हूं देखो सही करने की कोशिश की थी उन्होंने लेकिन गलती से क्या हो गई एरर न्यू कोर्स में उन्होंने ऑडिट की बुक को अच्छा बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो गलती से ना इतनी बुरी बन गई जिसके कोई हद नहीं है हुआ क्या ऑडिट के अपने तीन स्टेजेस होते हैं एक तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जैसे फालतू के कंसेप्ट एथिकल रिक्वायरमेंट फलाना दिमकाना इसका ऑडिट से क्या लेना देना मैं नंबर चेक करूंगा तो ये थोड़ी ना बोलूंगा तू तू ईमानदार है क्या ये इस तरह के कंसेप्ट फिर एग्रीमेंट बनाना क्वालिटी को चेक करना ये सारे कंसेप्ट थे चैप्टर वन में फिर आता है आप प्लानिंग करो एग्जीक्यूशन करो रिपोर्टिंग बनाओ और फिर कुछ फालतू की बातें। तो एक्चुअली में ना एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में बहुत सारा कंटेंट है ऑब्वियसली होगा ही सारा खेल ही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का है तो पहले आईसीआई आई ने इन दो स्टेजेस को नो चैप्टर में डिवाइड किया हुआ था कितने चैप्टर में नाइन चैप्टर में एट एक बना देते हैं और रिपोर्टिंग का एक बना देते हैं उन्होंने क्या किया इतने सारे स्टैंडर्ड को मर्ज किया और चैप्टर नंबर थ्री बना दिया ऑडिट एविडेंसेस आप वो चैप्टर देखोगे बच्चों को भी हार्ट अटैक आते हुए सुनोगे आप भाई ने डेढ़ सो दो समझ नहीं आएगा का नाम और नंबर यूज ही नहीं करता तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 210 स्टार्ट हुआ कब 220 स्टार्ट हो गया वो बताता ही नहीं वो क्या करता है कंसेप्ट नंबर वन हेडिंग दे देगा एग्रीमेंट फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.10 तक आ गया आपको ये तो पता चल रहा है टू पे नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है बट आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ है ब्लंडर है मैंने पूछा ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो बोर्ड ऑफ स्टडीज से कह इंटर का बालक है उससे ना इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है मैंने कहा आपको पता है आपने इंटर के बालक का, का काम मुश्किल कर दिया है ये बता के कि बेटा तू खुद ढूंढता रहे कि कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ पे है नंबर इंडेक्स में दे रहा है कि इसमें दस स्टैंडर्ड कवर है

आपका थ्योरी पोर्शन प्लस दो स्टैंडर्ड कवर करने की कोशिश की तीन स्टैंडर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ताकि चैप्टर वन के अंदर भी एक वेटेज जा आ जाए ऐसे टू हंड्रेड एस नंबर टू हंड्रेड एंड टेन और ऐसे नंबर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी मैंने अपनी बुक आपके चैप्टर वन में रखा है चैप्टर टू एज इट इज आईसीआई आई वाला है उसने भी प्लानिंग प्लानिंग हमने थ्री चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया है चैप्टर थ्री ए थ्री बी ताकि आप समझ पाए पाएं ये दो सेपरेट सेपरेट चैप्टर हैं फिर उसके बाद चैप्टर फोर आता है और वापस से मैंने अपने कंटेंट को चार आठ मतलब मैंने अपनी बुक में वही फोर्टीन चैप्टर रखे हैं कुल मिला के तो आपको यह बताना चाह रहा हूँ आईसीआई ने छह चैप्टर को इकट्ठा करके क्या कर दिया एक हमारी बुक में वो आपको मिलेंगे छ आप हार्ट अटैक ले जाओगे भैया आपको समझ ही नहीं आएगा इस चैप्टर में क्या करना है और क्या छोड़ना है तो बेनिफिट कर लोगे होमवर्क लिखिएगा प्लीज आप लोगों के पास किसी के पास पीडीएफ है एक बार बुक के फर्स्ट पेज से चलते हैं सभी बच्चे रिवाइज करके आएंगे प्लीज नेक्स्ट क्लास में आपने ऊपर से मेरे साथ चलना है और बताना है कि वन हुआ या नहीं हुआ कंप्लीट नंबर वन डन वन डन ठीक है जी वन के अभी तीन पॉइंट मैंने छुड़वा रखे हैं कंसेप्ट टू डन है जी थ्री क्वालिटी सेल्फ कर लेना बेटा ठीक है क्वालिटी ऑफ ऑडिटर फोर डन फाइव का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया है जी उसके बाद स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड्स एंड व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन उसी का ही concept है उसके अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है एस्पेक्ट मैंने रिमूव करवा दिया इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट डन है जी फिर आपका था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर जिसके अंदर मैंने आपके चार क्वेश्चन बनवाए हैं कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकोर्डेंस विद एस एथिकल रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल स्कैप्टिसम और प्रोफेशनल जजमेंट प्रोफेशनल तो स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए ठीक है नॉलेज के लिए पता होना चाहिए देन उसके बाद आपका आता है ऑडिट मैंडेटरी और वॉल्ट्री डन हो गया जी एडवांटेजेस, रीड करवाऊं मेरे को बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं आपको बिल्कुल प्लेन है ठीक है पढ़ लेना आप एक कंसेप्ट रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन इसको भी छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू आई कुछ कंसेप्ट है जो आईसीआई ने चैप्टर वन में डाल रखे प्लीज डोंट बुक विद डों क्योंकि अभी आपको समझ ही नहीं आएगा कि आईसीआई की बुक में जो है वो मेरी बुक में कहा पे आई ने कुछ कंसेप्ट और दिए हुए हैं वॉट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट वट इज रिव्यू एंगेजमेंट वो हमारी बुक में चैप्टर नंबर नाइन में है ठीक है तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ क्या स्टार्ट करेंगे इसके बाद हमारा ऐसे टू स्टार्ट होता है

उसके बाद हम सारे केस स्टडीज करेंगे नो योर नॉलेज टेस्ट योर नॉलेज बेसिकली और सारे एमसीक्यूज़ वगैरह हम कवर करने वाले हैं इन क्लास इट ओनली आप कोई भी नहीं जाएगा क्लास इज ओवर ऑफिशियली मैं आपको खत्म कर रहा हूं होमवर्क लिखेगा प्लीज एक सेकेंड बेटा होमवर्क लिखवा देता हूं पहले सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस की जो नोटबुक है ना उसके लिए आप लिख लीजिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस किस किस कंसेप्ट की करनी है सबसे पहला मैंने आपको कंसेप्ट दिया था जो काफी बच्चों ने तो लिख लिया है कौन सा बेटा इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर ठीक है दूसरे पे आपको लिखना है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ये ना एक दिन का एक कंसेप्ट है एक दिन का दस मिनट

एक प्रोफेशनल जजमेंट दूसरा प्रोफेशनल दो कंसेप्ट, ठीक है एथिकल रिक्वायरमेंट लिखना चाहो किसी बच्चे के पास टाइम है तो लिख लेना अदरवाइज मत लिखना मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ दो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए कौन कौन से प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल ये बहाना आप देते रहो कि हमारे दो ग्रुप की तैयारी है

तारीख को हमारा यहाँ पे टैक्स खत्म हो जाएगा सर पार्टनर फ्रोड ना करे क, करा हो हो ये चेक करने की। क्या बोल रहे बेटा इशिका बंसल लाइव क्लास वाले स्टूडेंट अपनी क्वेरी लिख सकते हैं आप दीजिए बेटा क्या दिखाना आपको अगर आपको कुछ पूछना है आप बता सकते हैं यहाँ पे आके दिखाओ राइटिंग प्रैक्टिस है बेटा गलत है बेटा मैंने कहा था एज इट इज याद करना है आपने लिखा अपनी नोटबुक में इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एज इट इज याद करना है की दो लाइन एज इट इज याद करना है तो लाइन स्टार्ट होती है इट स्टेट्स आपने गलत लिखा है ना, ना 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 फिर अकाउंट नहीं नहीं फिर विजेंद्र सर की तो सुबह होती है ना मेरे टाइम पे किसकी होती है भाई रोहित सर को बोल दो मैं 16 तारीख से लाइव लूंगा क्लास रेगुलर लूंगा बच्चों का सिलेबस मेरे को तो यार टाइम पे खत्म करना है मैं सोलह से ऊपर नहीं जा पाऊंगा ठीक है सर सोला से भाई हाँ यार मैं जहां पे बुक की लैंग्वेज याद करनी है ना मैं बताता हूं वो आप पढ़ो मैंने जो हाईलाइट किया है ना वो वर्ड आपके इंक्लूड होने चाहिए मतलब आपकी मर्जी है यार जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप ये मानो कि आपने याद कर लिया चाहे आज लिख लो चाहे कल लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तो मैं दस रिवीजन करवाऊंगा यार बेटा तो ये आपको दोबारा लिखना होगा अब देखो यहाँ पे ना ये कंप्लीट नहीं है आपने नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिखा <coughs> ये एक पॉइंट लिख लिया दूसरा नहीं लिखा आपने। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीज में चार पॉइंट है नहीं लिखे तो ये नहीं चलेगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं आएगा पेपर में क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते एक्सप्लेन करो तो ये दो लाइनों में नंबर काम मिलेंगे तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में चार एग्जाम्पल हैं आपने चारों याद करने हैं पॉइंट बना के लिखने हैं ठीक है थीके? पेपर में साफ साफ पूछेगा कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज इंडिपेंडेंस अगर ऐसा आता है तो आपने इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपेयरेंस तीन चार नंबर के लिए इतना काफी है आपकी स्पीड अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो एक दो लाइनों के अंदर इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और आईसीआई भी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है वो दो लाइनें भी लिख सकते हो रिक्वायरमेंट नहीं है आपका कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है आईसीआई आपसे क्लियरली पूछेगा वोट आर द्रेट्स टू इंडिपेंडेंस तो आपने थ्रेट्स लिखने हैं उस केस में आप इंडिपेंडेंस को सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे जैसे अभी आपने किया है फिर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपेरेंस आपको नहीं लिखना क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिक पूछेगा कि सिर्फ सेफ बताओ तो भी आपने सिर्फ इंडिपेंडेंस को दो लाइनों में एक्सप्लेन करना है डायरेक्ट सेफ लिखना है फिर ना ही माइंड लिखना ना ही अपेयरेंस लिखना ना ही थ्रेट लिखना सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है तो इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके तीन से चार ठीक है ये तो ठीक है तो आपने चार्ट से ही कॉपी पेस्ट किया होगा ना मेरे ठीक है सही है अभी नोट्स तो बाद में दूंगा नोट्स फिलहाल तो राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस है मेरा बेटा वन टू थ्री ए बी सी रोमन वन टू थ्री कुछ भी यूज करो आप हाँ जी सर सिक्सटीन से ऐप पे होगी अब नेक्स्ट लेक्चर कोई भी यूट्यूब पे नहीं होगा आने वाले सारे लेक्चर अब लाइव ऐप पे होंगे और सी इंडिया आपको जल्दी ही फिफ्थ और सेवन तक सब कुछ सारी डिटेल्स मेल कर देंगे बेटा ये तो बेसिक है हाँ? अभी हाँ यूट्यूब पे अभी लाइव रहने दो मैं मैं क्वेरीज देख रहा लाइव वाले स्टूडेंट की मैं बोल दूंगा जब बंद करना होगा हाँ, देखो अब मैं थोड़ा ना आपको वैसे बता रहा हूं जैसे आपने पहला पॉइंट लिखा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो ये पहला पॉइंट है तो आप ना अगली लाइन से स्टार्ट करना अगली बार यहाँ से एक्सप्लेनेशन और चाहो तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो आप इट्स योर चॉइस ठीक है अभी आपने एक पॉइंट लिखा यहाँ पे ये दूसरा लिखा तो यहाँ पॉइंट नहीं बनाना अंदर लेकिन एक पॉइंट यहाँ हो गया अगला पॉइंट ना फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे आप ठीक है यहाँ जैसे आपने किया है ये अगली लाइन से आएगा यहाँ से ठीक है वैसे ओवरऑल ठीक है सेल्फ इंटरेस्ट रेट को आपने एक्सप्लेन नहीं किया ठीक है एक्सप्लेन करोगे यहां आपने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट लिखा यहां से एक्सप्लेन करना है यहां से नहीं जहां एक्सप्लेनेशन खत्म हुई एक लाइन छोड़नी है फिर से फिर आपने चार एग्जाम्पल लिखने हैं ये मैं क्लास में ही बताऊंगा एरो स्टार डोट कुछ भी नहीं यूज करना आप पॉइंट बना रहे हो ए बी सी इट विल लुक प्रोफेशनल ये अच्छा लगेगा ये अच्छा लगेगा आप खुद देखो दैट विल लुक ना सेल्फ रिव्यू थ्रेट यहाँ से स्टार्ट करना है ठीक है फिर आपने पॉइंट बनाना है तो कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है आपको ठीक है नेक्स्ट क्लास आपकी सिक्सटीन को होगी अभी पुणे में फेस टू फेस बेस स्टार्ट है हाँ जी क्वालिफाइड में दो केसेस बनते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन एक तो आप तब देते हो जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने चेकिंग कर ली पूरी चेकिंग हो गई आपको कुछ गलती मिली वो गलती मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि गलती तो है मटेरियल भी है बट पूरे फाइनेंशियल को हिट नहीं कर रही तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो आपने पूरे फाइनेंशियल की चेकिंग कर ली बट मैनेजमेंट ना आपको कोई एक काम नहीं करने दे रही है कहीं एक जगह पे जाके आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया अब आप कहोगे यार फिर भी तो दे ही नहीं सकते सब कुछ सही क्यों ना हो एडवर्स भी नहीं दे सकते क्योंकि नाइन्टी आप चेक कर चुके हो डिस्क्लेमर भी नहीं दे चुके दे सकते क्योंकि मेजर आपने चेक कर लिया एक पोर्शन नहीं चेक करने दिया तो वहां पे आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा कि जो ये एक पोर्शन मैंने नहीं चेक किया इसमें पॉसिबल मिस्टेटमेंट कितनी हो सकती है पहले तो ये आपने पॉसिबल मिस्टेटमेंट निकाला देन यू हैव टू अगेन डिसाइड ये जो पॉसिबल मिस्टेटमेंट है क्या ये मटेरियल है आपने कहा जी मटेरियल है फिर एक और जजमेंट लगाना पड़ेगा क्या इस पॉसिबल मिस्टेटमेंट का जो मटेरियल मिस्टेटमेंट है क्या ये भी है अगर आप बोलते हो यस तो तो डिस्क्लेमर अगर आप बोलते हो नो देन क्वालिफाइड बेसिकली अगर आपको मैनेजमेंट डेटा नहीं दे रही तो उसकी वजह से कितनी गलती हो सकती है अगर आपको लगता है गलती है बट छोटी है मटेरियल तो है बट पूरे फाइनेंशियल हिट नहीं कर रही तो तो क्वालिफाइड पूरे फाइनेंशियल हिट कर रही है तो डिस्क्लेमर ठीक है क्या फोटो नहीं लिया आपने ठीक है मैं कर देता हूँ आज वेलकम या फिर आप है ना चलो मैं कर दूंगा ठीक है क्या कह रहे हो कौन से क्वेश्चन वो मैंने आज ही डाली है पहली वीडियो यूट्यूब पे शॉर्ट्स में हाँ कोई बात नहीं अभी कर लेना ग्रुप वन की तैयारी ठीक है तो आपने समरी बनाई है ठीक है राइटिंग प्रैक्टिस वाली अभी आपने नहीं बनाई है ना ठीक है बहुत बढ़िया नहीं मैं नहीं देख पाऊँगा देखो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं देख नहीं पाऊँगा हाँ क्या नाम है आपका हाँ सोहेब सोहेब आपका प्रेजेंटेशन ठीक है हाँ देने की जरूरत नहीं है आप बस इतना कर सकते हो आपने यहाँ से स्टार्ट किया है ना स्टार्ट फ्रॉम हेयर ठीक है या यहाँ से कर सकते हो बट आपका प्रेजेंटेशन ओवरऑल ना काफ़ी फ़ाइन है काफ़ी ठीक है बिल्कुल सही लिखा है आपने ये याद करके लिखा है देख कर लिखा है बहुत सही लिखा है अगर ये पेपर में आता है तो यू विल स्कोर फोर आउट ऑफ फोर यहीं से स्टार्ट करना है ठीक है आपने और इसमें ना पॉइंट बनाने हैं जैसे ये तीन बातें आपने एक साथ मिक्स करके लिख दी तो जैसे आपने यहाँ गैप दिया है ना ऐसे ही नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने यहाँ से स्टार्ट किया एक पॉइंट आ गया फिर एक लाइन छोड़ो दूसरा एग्जाम्पल आ गया ठीक है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट किया इसमें चार पॉइंट हैं आपके तो एक यहाँ आ गया जहाँ ख़त्म हुआ फिर एक लाइन छोड़नी है फिर जहाँ यहाँ किया है आपने ठीक है तो इस हाँ ठीक है तो इस तरह से आपने करना है ठीक है अभी समझ नहीं आएगा ये फ्यूचर इवेंट मैं जनरल समझा देता हूँ फ्यूचर इवेंट क्या है जैसे कि हमारा मान लो थर्टी फर्स्ट मार्च को साल ख़त्म हो गया लाइव वाले स्टूडेंट भी क्वेरी पूछ सकते हैं भाई मैं देख रहा हूँ आपकी क्वेरीज ठीक है यहाँ पे ईयर आपका ख़त्म हो गया ऑडिटर आता है अप्रैल में अपना ऑडिट करके ख़त्म करके चला जाता है कहीं पे मान लो अप्रैल में ही मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मिड ऑफ मार्च और अप्रैल के बीच में ना एक फ्यूचर इवेंट होता है कोई मैनेजमेंट इस इवेंट के बारे में ऑडिटर को नहीं बताती है वो अपना ऑडिट खत्म करके साइन करके रिपोर्ट करके चला जाता है क्या फाइनेंशियल सही थे नहीं थे ना मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्रू एंड फेयर व्यू भी हो सकता है मैंने गलत दे दिया हो एब्सोल्यूट की तो बात ही छोड़ो तो फ्यूचर इवेंट में हमेशा एक रिस्क होता है जिसको एक ऑडिटर शायद चेक ना कर पाए या जैसे ही वैल्यूएट ना कर पाए तो इसकी वजह से हम ट्रू एंड करेक्ट तो कभी नहीं बोलेंगे मैं तो बल्कि और आगे लेके जा रहा हूँ एक स्टेप मैं कह रहा हूँ ट्रू एंड फेयर में भी रिस्क हो सकता है समझ रहे हो इसका डिटेल डिस्कशन हम एक एस 560 फाइव सिक्सटी आएगा वहाँ करेंगे उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा अच्छा ठीक है इवन गोइंग कंसर्न में भी फ्यूचर इवेंट आप फ्यूचर को देखते हो तो एक एस 570 फाइव सेवेंटी भी है हम वहाँ भी देखेंगे ठीक है हाँ <coughs> देखो मैं बताता हूँ मेरा क्या है आपने आप जो स्टूडेंट अपने आप से कर रहे हैं मैं कभी भी उन्हें मना नहीं करता आप कर सकते हो मैं अपने लेवल पे क्या करूँगा जैसे चैप्टर वन मैंने पूरा करवा दिया मैं चैप्टर वन की ना आपको एक समरी दूंगा जिसमें मेन मेन पॉइंट होंगे ये चीज़ें होंगी जिससे कि आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो लेकिन अगर आप खुद लिख रहे हो ना उससे अच्छी बात कभी कुछ नहीं हो सकती मैं उन बच्चों के लिए उन नाइनटी परसेंट के लिए करता हूँ वो मेहनत जो बोलने पे भी नहीं बनाते इवन मैं यही बताऊंगा कि नोट्स में आप क्या क्या कवर कर सकते हो ठीक है अदरवाइज बच्चों की एक बारी आती रहेगी सर क्या कवर करूँ क्या छोड़ू इससे बेटर है मैं ही बना के दे दूँ भाई देख ले समझ रहे हो मैं उस इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को यह बताना कि नोट्स कैसे बनाने उससे हैं उससे बेटर है ना मैं तीन घंटे बैठ के खुद बना के शेयर कर दूँ सबको पता चल गया कैसे बनाने हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस पे मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि मैंने ना कहीं ना कहीं अपनी बुक को ही नोट्स बना दिया है हर कंसेप्ट के साथ मैं लिखवा तो रहा हूँ ना आपको कि आपको क्या याद करना है क्या लर्न करना है क्या रीड करना है तो काइंड kind ऑफ of ये नोट्स ही हो गए आप जब ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता है ना किस चीज़ पे फोकस करना है चाहे तो स्टूडेंट वो हमेशा बुक से भी रीड कर सकते हैं लेकिन एक साइकोलॉजिकल होता है ना यार तीन पेज की बुक है चाहे वो मैंने मार्क करवा करवा के उसको सेवेंटी की कर दी हो लेकिन एक माइंड सेट होता है बस होता है यार इसीलिए नोट्स थ्योरी पेपर की एक ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है कि जब तक आप लिखोगे नहीं ना समझ कितना भी आ जाए आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे इसलिए सॉरी इसलिए मैं दो जगह नोटबुक बनवा रहा हूँ एक कंसेप्ट एक writing, राइटिंग डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी टेस्ट भी हो जाएंगे तो मल्टीपल टाइम लिखोगे चीज़ें तभी याद होगी है? ओके तो बोल लिया करो चलो ठीक है ये राइटिंग प्रैक्टिस है हाइलाइटर यूज नहीं करेंगे आप कोई बात नहीं आप हाई राइटिंग प्रैक्टिस की नोटबुक को मैं ट्रीट करूंगा आप एग्जाम में कैसे आंसर लिखने वाले हैं आप अपनी नोट्स वाली नोटबुक में हाइलाइटर, मल्टीपल कलर जो यूज करना है करो राइटिंग प्रैक्टिस इज योर एग्जाम आंसर ठीक है चलो जी बाय लाइव क्लास बंद कर दीजिए प्लीज कोई क्वेरी नहीं है नहीं आपने थोड़ा सही नहीं लिखा आप दोबारा याद करके लिखेगा क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और अपेरेंस जो है ना ये दो दो लाइन मैंने बोला था एज इट इज याद करनी है ठीक है ऊपर का ठीक है ये क्या है आपने सिर्फ एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया याद करो जब मैंने पढ़ाया था बकाया था बताया था कि एग्जाम्पल मस्ट है यहाँ पे एक भी एग्जाम्पल नहीं है नहीं नहीं चलेगी बात नहीं बनेगी पेपर में कंसेप्ट इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर नहीं आएगा मेरे भाई पेपर में एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो भी आपको दो तीन एग्जाम्पल लिखने हैं या फिर पेपर में आ जाएगा सिर्फ सेल्फ रिव्यू थ्रेट एक्सप्लेन करो तो आपको जो कंसेप्ट मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ना और मैंने इवन पढ़ाते टाइम भी बताया है कि एग्जाम्पल आपको करने ही करने हैं छोड़ नहीं सकते तो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल मिसिंग है एडवोकेसी थ्रेट ये है कि जब आप ना प्रमोट करते हो प्रमोट करते हो एक एडवाइस या एक ओपिनियन जो बाद में जाके ना आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाए आपने बोला शेयर खरीद लो कंपनी के आपने गलत राय दी किसी को नहीं देनी चाहिए फाइनेंशियल्स पता नहीं कंपनी के कैसे हैं कैसे नहीं है आप कंपनी के एडवोकेट के रूप में काम कर रहे हो तो बाद में आके आप आपने कोर्ट में जाके बोल दिया कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया कोई रिवेन्यू इन्फ्लेट नहीं किया जब आप ऑडिट करने हो, हाँ हाँ एंड कर दो मैंने बोल दिया एंड कर दो आप जब ऑडिट करने आए तब आपने देखा यार फाइनेंशियल तो मिसेड है तो क्या आप यहाँ पे आके ठीक कर पाओगे जब आप कोर्ट में स्टेटमेंट देके गए हो नहीं कर पाओगे तो एक थ्रेट है ये। ठीक है नहीं अभी मैं कहूंगा नोट अप टू दि मार्क क्योंकि अभी क्या है ना आपने सिर्फ पॉइंट पे फोकस किया है पॉइंट के अंदर क्या कंटेंट है यहां जैसे दो एग्जाम्पल है दो सिचुएशन है मिसिंग है यहां पे एक कवर है सिर्फ